पेटी घर आले पेटा पेटा ये अपने चित्रकला का प्रदर्शन किसने किया है? बोलो बोलो। प्रकाश खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये वाहियात तस्वीर तुमने बनाई है? नहीं सर। नहीं? रंजीत, इस क्लास के सबसे शरारती लड़के तुम्हें हो, ये हरकत तुम्हारी होगी। जी नहीं, मैं तो हर ड्राइंग टेस्ट में फेल होता हूँ, ये मैंने नहीं बनाई। संदीप, ये तस्वीर इसी ने बनाई है ना? जी नहीं, ये मैंने बनाई है। तुमने बनाई? आई मेरी चुटिया ऐसी है बैगन जैसी। संजीत, अरे रंजीत रो क्यों रहे हो? संजीत झूठ मैंने बोला और मार तूने खाई। मैं वादा करता हूँ आज से कोई गलत काम नहीं करूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा। आ गए तुम, शुक्र है भगवान का। महीने में कम से कम एक आध बार तो बीवी बच्चों की याद आ जाती है तुम्हें। तुझे उससे क्या लेना देना है? महीने के महीने घर चलाने के लिए पैसे मिल जाते हैं कि नहीं? खामखा बकवास किए जा रही है। जा जा चाय बना, दरवाजा खोलो डागा। छतरी सही है। तुम्हारे लिए पुलिस नहीं तो क्या गवर्नर साहब आएंगे? ए पड़पड़ मत कर, जा जा की बातों करना। जा जा ना। तुम्हारे पति परमेश्वर कहाँ है? अंदर है। बहुत दिन बाहर रह लिया, आपकी बार लंबे अरसे अंदर रहना पड़ेगा। अरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अरे अरे इंस्पेक्टर साहब नमस्कार, अहो भाग्य हमारे जो आप हमारी कुटिया में पधारे। विराजमान होइए, आइए आइए। आपको इस कुटिया में तकलीफ होती होगी इसलिए बड़े घर ले जाने आया हूँ। कॉन्स्टेबल यस सर, घर की तलाशी लो। तलाशी? हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे। कोकीन गांजा और गर्द बेचकर लखपति बनना चाहता है। कोकीन गांजा ये सब क्या होता है इंस्पेक्टर साहब? मैं तो जीवन में पहली बार सुन रहा हूँ। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कर, इसी सिलसिले में चार बार जेल की हवा खा चुका है। राम 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 राम, अरे साहब अब मैं वो पुराना डागा नहीं रहा हूँ, मैंने सारे खोटे धंधे छोड़ दिए हैं। अब तो मेरा पूरा समय पूजा पाठ में ही जाता है। सर अंदर की पूरी तलाशी ले ली है, कुछ भी नहीं मिला। सर मुझे भी कुछ नहीं मिला। सर ये बक्सा मिला है, इसमें कुछ नहीं है। देखा साहब, जब मैंने आपसे कहा कि मैं सुधर गया हूं तब आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। कहीं भी कुछ होता है तो बस आप पुराने चोरों को पकड़ने दौड़ते हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अपने पुराने तौर तरीके बदल दीजिए, तभी आपको स्वर्ग में स्थान मिलेगा। जाइए साहब जाइए। सर अब बोल डागा, अभी अभी क्या बक रहा था कि हम पुराने चोरों को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, तू सारी उम्र चोर बना रहेगा। अबे कमीने, अपने इस मासूम बच्चे को देखकर शर्म कर। तेरी तो जान ले लूंगा उल्लू को, ठहर जा। शाबाश बेटे, हम तुम्हारी ईमानदारी को सैल्यूट करते हैं। ले चलो इसे, चलो चलता हूं, जल्दी लौटूंगा। ये क्या किया बेटा तूने? अपने हाथों अपने पिता को पुलिस के हवाले कर दिया। पिताजी झूठ क्यों बोले? झूठ बोलना तो पाप है ना माँ? हाँ बेटा, वो झूठ बोले ये उनका कसूर है, तू सच बोला ये तेरा कसूर है। पर तेरा सबसे बड़ा कसूर तो ये है बेटा कि तू उनका बेटा है। मैंने कहा था कि जल्दी लौट कर आऊंगा, थाने से भाग कर आया हूँ। चल मैं जल्दी यहाँ से निकलना, कहीं भी चल फौरन चल यहाँ से। रहने दो हरामजादे को। रंजीत रंजीत, ए तू मेरा बेटा है तो दुश्मन क्या कर रहे हो? Come on, 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 come on,
दोस्तों की अटूट दोस्ती का निशान बन गए हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ इनकी दोस्ती भी गहरी हो गई है। संदीप कुमार माना हुआ डॉक्टर है, मरीजों का जीवन दाता है, गरीबों का भगवान है, अन्याय को कुचलने वाला जोशीला कर्मयोगी है, दोस्तों के लिए जान तक कुर्बान करने वाला महान इंसान है। रंजीत संदीप कुमार को उसकी जान से भी ज्यादा प्यारा है, एक ईमानदार और दिलेर पुलिस ऑफिसर है। इसका नाम सुनते ही मुजरिम सपने में भी कांप उठते हैं। अधर्म का नाश करना, अन्याय का मुकाबला करना इसका ईमान है, कर्तव्य ही इसका जीवन है। प्रकाश संदीप और रंजीत इसकी दोनों आंखें हैं, बातें करने में चतुर और खाने में पेटू है, न्याय की रक्षा करना इसके जीवन का लक्ष्य है, मशहूर पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। इन तीनों मित्रों की दोस्ती की सारा शहर कसम खाता है। नमस्ते राजा। नमस्ते। हेलो चाइल्ड। नमस्ते डॉक्टर जी। हाउ आर यू नाउ? फाइन अंकल। रात को दवा ली थी? खूब नींद आई? हाँ, रात जाते जाते आप स्वीट ड्रीम्स बोल गए थे ना, तो मैंने एक बड़ा स्वीट सा सपना देखा। मैंने देखा कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। न जाने किस बात पर आप मुझे पकड़ने के लिए दौड़ा रहे हैं, पर मैं इतना तेज दौड़ती हूँ कि आप पकड़ ही नहीं पाते। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ही मेरी बच्ची की जान बचाई। बाकी सारे डॉक्टर्स तो जवाब दे चुके थे, मैं अपनी खाल के जूते बनाकर भी आपको पहनाऊं तब भी आपका ऐसा नहीं चुका सकती। इसमें एहसान की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। डॉक्टर सर, दो तीन दिन तक ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखो। यस सर। ओके बेटा, बाय बाय अंकल। डॉक्टर
एक इमरजेंसी केस आया है, बहुत सीरियस है। अल्लाह, कौन हो तुम? मेरा नाम अब्दुल करीम पीरजादा है। इंस्पेक्टर रंजीत हियर। रंजीत, संदीप बोल रहा हूँ। अभी अभी एक जख्मी लाया गया है, बहुत सीरियस कंडीशन में है, गांजे चरस के रैकेट का विक्टिम है। रिंग रोड पर एवन बिक्री है ना, वहां धंधा चल रहा है। क्यों फिर के छत्ते में हाथ डालते हैं इंस्पेक्टर साहब? आराम से घर जाओ, आपकी खिदमत कर दी जाएगी। जाओ जाओ। मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यू कैन प्रोसीड विद द केस। थैंक यू। ये केस इन हुए बहुत मुकीला है योना, इसकी कीलें ना जाने किस किस में धसेंगी। सरकार का ये केस है कि मुलजिम रहीम खान ड्रग्स का धंधा करता है। हमारे देश की अगली पीढ़ी को, नौजवान लड़कों और लड़कियों को ब्राउन शुगर यानी गर्द, गांजा, कोकेन और दूसरी खतरनाक ड्रग्स बेच बेच कर तबाह कर रहा है, और मुलजिम रंगे हाथों पकड़ा भी गया है। सरकार अपने बनाए हुए कानून के हाथ मजबूत ना होती तो दूसरे मुल्कों की तरह शायद इसके लिए सजाए मौत की मांग करती। लेकिन एक सरकारी वकील होने के बावजूद मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि सरकार का यह केस ही गलत है। ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर? मैं ठीक कह रहा हूं योना, यह आदमी हाथ नहीं तलवार है, और हम तलवार पर कत्ल का मुकदमा चला रहे हैं। असली मुजरिम तो वो है जो इस मोटे बदन और मोटी अकल वाले से काम लेता है। और पूछिए कौन है वो हजारों चेहरों और हजारों हाथों वाला एक राक्षस है। एक सर काटिए तो वहां से एक नया सर उगाता है, एक हाथ काटिए तो वहीं से हजारों हाथ उगाते हैं। जब तक उस राक्षस के सारे सर और सारे हाथ एक साथ नहीं काटे जाएंगे वो राक्षस नहीं मरेगा। ये राक्षस बहुत ही ताकतवर है योना, इसके आदमी पुलिस की वर्दी में भी हैं, वकील का गाउन भी पहनते हैं। इसकी जेल में बर्थडे की पार्टी होती है, जेल के अफसरान बेहोश हो जाते हैं ताकि वो जेल से भाग सके। योर ऑनर, सरकारी वकील से कहा जाए कि वो सिर्फ इस केस की बात करें, इधर उधर की बातें ना करें, और अगर वो दिल की बात कह ही रहे हैं तो पूरा सच बोलें और ये बताएं कि कैसे सरकार झूठे गवाह खड़े करती है, कैसे बिना वारंट के तलाशी लेती है, कैसे बेगुनाहों को सजा दिलवाती है, और ये भी बताएं कि इंस्पेक्टर रंजीत कुमार ने बिना वारंट के एवन बेकरी पर छापा मारा था, इसलिए वहां से जो कुछ भी बरामद हुआ उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है और मुलजिम की गिरफ्तारी इलीगल है। बचाव के फाजिल वकील ने बिल्कुल सच कहा योनर, सच तो हमेशा पूरा ही बोलना चाहिए, और सच ये है योनर। ये क्या है? ये पाली हिल में एक पॉश फ्लैट की चाबियां और डॉक्यूमेंट्स है योनर, जो मुझे डिफेंस के ऑनरेबल वकील ने दिए। उससे उन्होंने कहा कि यह फ्लैट मेरे लिए खरीदा गया है, और इसके बदले मुझे करना सिर्फ यह है कि मुलजिम रहीम खान के खिलाफ जो सरकार का केस है उसे ढीला करना है, बाकी काम इनके बॉस खिलाफ भी आकर ठीक कर लेंगे। ये झूठ है, इन बातों का क्या सबूत है आपके पास? आपकी घबराहट, आपके माथे पर पसीना, आपका यूं चिल्लाना, अगर ये तीनों सबूत काफी ना हो तो मुझे अब्दुल करीम पीरजादा को बुलाने की इजाजत दी जाए ऑनर। इजाजत है पीरजादा साहब, क्या आप मुलजिम रहीम खान को जानते हैं? हम इसको अच्छी तरह जानता है साहब, सारा लोग हमारा एवन बेकरी का इज्जत खराब कर डाला, जवान छोकरे छोकरियों को हमारा बेकरी का डबल रोटी के अंदर नशीला चीज बेचता रहा, हम इसे मना किया तो हमको चाकू मार दिया ताकि हम इनके खिलाफ गवाही ना दे सके, लेकिन डॉक्टर संदीप ने हमको बचा लिया, अल्लाह इनकी उम्र दराज करे। That's all you honor. मुलजिम रहीम खान पर चरस, गांजा, कोकीन बेचने का इल्जाम पूरी तरह साबित हो चुका है। इस अदालत की निगाह में यह जुर्म कत्ल से भी बड़ा जुर्म है, इस जुर्म की सजा कम से कम मौत होनी चाहिए, लेकिन कानून बनाना अदालत का काम नहीं है। मुझे अफसोस है कि मैं इस मुजरिम को 2 साल से ज्यादा की सजा नहीं दे सकता, लेकिन यह अदालत यह सिफारिश करती है कि मोहनलाल गंजू एडवोकेट को बार काउंसिल से निकाल दिया जाए,
क्योंकि इस केस में इनका रवैया मुजरिमाना रहा है। प्रकाश मुबारक हो। अरे पेटू मुबारक हो। शट अप, हमें तुम्हारी नाकामी की कोई सफाई नहीं चाहिए। तुम अपने आप को बहुत तजुर्बेकार वकील कहते हो और एक दो कौड़ी के वकील से हमारे आदमी को नहीं बचा सके। डूब मरो चुल्लू भर पानी में तुम। हम लाखों रुपया तुम लोगों पर पानी की तरह बहा रहे हैं, उसका ये नतीजा है? अपने सिंगापुर के पार्टनर्स को क्या जवाब देंगे हम? ये हरामजादे डॉक्टर, इंस्पेक्टर और वकील का तिगड्डा हमारे हर काम में टांग अड़ाकर हमें करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा रहा है। जब तक हम इन तीनों का दिमाग ठिकाने नहीं लगा देते, हम चैन से नहीं बैठ सकते। लदा डार्लिंग, देखो सारी लिपस्टिक फैला दी। अरे डार्लिंग, हम लोग पेरिस नहीं जा रहे हैं, माँ और पिताजी से मिलने रेवतीपुर जा रहे हैं। वहाँ के औरतों के पास अभी तक लिपस्टिक की खबर ही नहीं पहुँची। तुम्हें देख के कहेंगे क्या, दुल्हन के मुंह से खून बह रहा है। भाई वाह, हंसी तो फूल झड़ गए मुंह से। इसी हंसी ने तो हमें फंसा दिया, तुम्हारा गुलाम बना दिया। बस बस, एक पपी हो जाए। ए, नहीं, मेरी लिपस्टिक खराब हो जाएगी। फिर से लगा लेना, बहुत पड़े है घर में। अगर आप लोगों का काम तम हो गया हो तो हम अंदर आ जाए। आ जाओ आ जाओ, मैं तो इनकी लिपस्टिक ठीक कर रहा था। हाँ हाँ, करो करो, जितना जी में करो। मैं ये तो सिर्फ लिपस्टिक ठीक कर रहा था। हाँ हंसो हंसो हंसो, अभी कुंवारे हो ना, ये बातें अभी समझ में नहीं आएंगी। शादी के बाद सब समझ जाओगे, सब सीख जाओगे। यार तू मेरी फिक्र मत कर, मुझे अपनी पसंद की लड़की मिल जाएगी। मगर तू इसके लिए कोई लड़की तलाश कर दे, ये लड़कियों के मामले में जरा कमजोर है। अरे भैया, अगर मेरी बहन मिल गई होती तो कभी की उसकी शादी इसके साथ कर देता। देखते हैं, अब जल्दी चलो, नहीं तो गांव पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। चलो 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 चलो। जैसी अपनी यारी, अरे यारो हमको देख के कहे ये दुनिया सारी। ओ यारी हो तो ऐसी हो, अरे यारी हो तो ऐसी हो, यारी हो तो ऐसी हो जैसी अपनी यारी। यारो हमको देख के कहे ये दुनिया सारी। अरे हमको अपनी दोस्ती, हमको अपनी दोस्ती, अपनी जान से प्यारी। यारो हमको देख के कहे ये दुनिया सारी। यारी हो तो ऐसी हो जैसी अपनी यारी। Thank you.
पर फूल ये खिलते हैं नसीब से। इस दुनिया में दोस्त तो मिलते हैं नसीब से। अरे इस दुनिया में दोस्त तो मिलते हैं नसीब से। कितनी अच्छी दोस्तों, अरे कितनी अच्छी दोस्तों, हाँ कितनी अच्छी दोस्तों। है तकदीर हमारी यारो हमको देख के कहे ये दुनिया सारी, यारो हमको देख के कहे ये दुनिया सारी। अष्टमी का त्योहार आओ आज मनाए यार, गोकुलाष्टमी का त्योहार आओ आज मनाए यार। हे गली गली में मचा शोर, आए आए मक्खन चोर, गली गली में मचा शोर, आए आए मक्खन चोर। ये मटकी हम तोड़ेंगे मक्खन खा के छोड़ेंगे, ये मटकी हम तोड़ेंगे मक्खन खा के छोड़ेंगे। देखेंगे बन के किशन मुरारी, गोविंदा 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 गोविंदा। संभल के हे संभल के, एक दो तीन तीन चार, फिकर मत कीजिए, शाम तक वो सारा माल आपके ठिकाने पर पहुंच जाएगा। ओके सर, आपका सिंगापुर से कॉल। हेलो हेलो डागा, मैं निशान बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए निशान भाई। अरे भाई, वो जो तुमने माल भेजा था मदन लाल के हाथों सिंगापुर, वो एक एयर होस्टेस है रेखा नाम की, उसने सिंगापुर पुलिस को खबर किया तो मदन लाल माल समेत गिरफ्तार हो गया है। जरा मालूम करना कौन है ये विमान सुंदरी। ठीक है ठीक है, मैं देखता हूँ। सर, रेखा नाम की एयर होस्टेस को ऐसा सबक सिखा के आओ कि आइंदा कोई भी एयर होस्टेस हमारी मुखबरी करने की जरूरत ना करे। ओके सर। ओके बाय 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 बाय। इस घर में रेखा नाम की एक एयर होस्टेस रहती है, बहुत शरीफ लड़की है, कुछ बदमाश उसे तंग कर रहे हैं। और तुम लोग खड़े तमाशा देख रहे हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? Thank you.
इंस्पेक्टर रंजीत हेयर। डॉक्टर संदीप ने एक आदमी को जान से मार डाला। क्या? हाँ साहब, गांधीनगर के नाके पर, और उसकी लाश को लेकर वो अपने अस्पताल की तरफ भाग गया। ये संदीप कंबख्त के गुस्से ने फिर मुसीबत में डाल दिया। सॉरी यार, ऑपरेशन थोड़ी देर हो गई। ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ? हाँ यार, तुमसे कुछ काम था। चलो आ रंजीत। अरे रंजीत, तुम यहाँ कैसे आना हुआ? क्या ना भाई, एक केस के बारे में तुमसे बात करने आया हूँ। कौन से केस के बारे में? वही केस जिसमें तुमने मारा मारी की और एक आदमी को मार डाला। आप कैसे कह सकते हैं कि संदीप ने खून किया? मिस्टर प्रकाश, आप सरकारी वकील हैं मुद्दे के नहीं, आपको बीच में दखल देने का कोई अधिकार नहीं। बोलिए डॉक्टर संदीप, आपने उस झगड़े में एक आदमी का खून किया या नहीं? एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट। अरे जरा रुको भाई, रुको रुको रुको। जिस आदमी के खून का इल्जाम आप मुझ पर लगा रहे हैं वो आदमी ये रहा। एक डॉक्टर की हैसियत से मैं सर्टिफाई करता हूँ ये जिंदा है मरा नहीं। एक पुलिस इंस्पेक्टर की हैसियत से आप इसे देख सकते हैं, इसका बयान ले सकते हैं। जनाब क्या हुआ था? इंस्पेक्टर साहब, मेरे गैंग के आदमी ने डॉक्टर साहब को मारने के लिए चाकू फेंका, वो गलती से मुझे लग गया। अगर डॉक्टर साहब मुझे यहाँ लाकर मेरा ऑपरेशन ना करते तो मैं मर गया होता। इंस्पेक्टर रंजीत कुमार, अब तो आपकी गलतफहमी दूर हो गई होगी। चलिए इंस्पेक्टर साहब को लाश का बयान लेने दो, हम लोग चलते हैं। हजरत कैसे दन दनाते हुए आए थे यार? तुम तो जानते हो प्रकाश, वर्दी में उसे अपने और पराये में फर्क नजर नहीं आता, और आना भी नहीं चाहिए। कैसा भूखा शेर बन जाता अपना रंजीत, और बाद में एकदम भीगी बिल्ली बन गया था हमारा यार। मैं कमीन? कमीन इंस्पेक्टर रंजीत कुमार, आइए। इंस्पेक्टर रंजीत नहीं, सिर्फ तुम्हारा दोस्त रंजीत। आई एम सॉरी यार। अरे तू कैसा कच्चा इंस्पेक्टर है रे? क्या बताऊं यार, वो फोन ऐसा आ गया था। अरे फोन को मार गोली और ये बता, हर इतवार को जो तेरे घर खाना खाते हैं वो इस इतवार को भूलेगा तुम्हें ना? अरे वो कैसे भूलूंगा, और अगर मैं एक बार भूल भी जाऊं तो तुम्हारी भाभी कभी नहीं भूलेगी। हाँ वो तो है। अरे पेटू, एक बार बता, तुझे पेट के आगे में सोचता है नहीं सोचता? पेटू ये लीजिए। खाती हूँ। आज मंगलवार है, आज के दिन संदीप शाकाहारी है। अबे ओ वकील की तुम, आज मंगलवार नहीं आज शुक्रवार है। अच्छा तो ये ले। अबे चुप। अगर तुम्हें जल्दी से शादी करनी है तो तुम शुक्रवार को संतोषी माँ का व्रत रखना शुरू कर दो। अरे भाभी, शादी सूत्री जब होनी होगी हो जाएगी, ऐसा बढ़िया खाना खाने के लिए मंगलवार शुक्रवार कौन देखता है। संदीप आज मैं तुमसे एक वादा मानता हूँ। मैं जानता हूँ तुम क्या वादा मानोगे, यही ना कि मैं जोश में आकर किसी पर हाथ ना उठाऊं। हाँ संदीप यही। सॉरी रंजीत, तुम अच्छी तरह जानते हो कि अन्याय बर्दाश्त करने की बुजदिली मैं नहीं दिखा सकता। उस वक्त मैं जोश में आ जाता हूँ, हालांकि उसमें बुराई मुझी को मिलती है लेकिन दूसरों की तो भलाई हो जाती है, तो फिर मैं क्यों खामोश रहूं? तुम तो अपनी आदत से मजबूर हो, लेकिन मालूम है तुम्हारे लफड़ों से निपटते निपटते जान मेरी निकल जाती है, कुछ तो अपनी इज्जत का ख्याल किया करो। रंजीत ठीक कह रहा है संदीप, आज की बात ले लो, शुक्र है वो आदमी बच गया, नहीं तो लेने के देने पड़ जाते। तो क्या हो जाता, मैं जेल चला जाता, मुझे फांसी हो जाती, यही ना? आई डोंट केयर, मुझे इस चीज की परवाह नहीं है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने एक लड़की को गुंडों से बचाया। मैंने कोई पाप किया, कोई गुनाह किया? हाँ, किसी की जान बचाने के लिए दूसरे को मारने का तुम्हें कोई हक नहीं है। न्याय की रक्षा करने के लिए वकील है, कानून की व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस है। हाँ हाँ मैं खूब जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम लोग हो, सब कुछ हो जाने के बाद आंसू पहुँचने के लिए आराम से पहुँच जाते हो। तुम वकील लोग खून होने से रोक सकते हो, तुम पुलिस वाले लड़कियों को बलात्कार होने से बचा सकते हो, क्या करते हो तुम वकील लोग? और तुम पुलिस वाले जवाब दो। अगर हम कुछ नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कानून को अपने हाथ में लेकर लोगों को सजा दो। सरकार ने तुम्हें डॉक्टर की डिग्री इंसानों की जान बचाने के लिए दी है, लोगों की जान लेने के लिए नहीं। तुम सड़कों पर इसी तरह गुंडों और बदमाशों से लड़ते रहे तो लोग क्या कहेंगे तुम्हें? गुंडा और बदमाश संदीप कुमार कहेंगे। शट अप, मुझे लोगों से कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मैं अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता। जुल्म से टकराने में अगर मेरी जान भी चली जाए तो मुझे उसकी भी परवाह नहीं, मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम लोग भी नहीं, तुम्हारी दोस्ती भी नहीं। ये क्या कर रहे हो संदीप? संदीप, संदीप अब छोड़ो भी, तुम तो उनका मिजाज जानते हो, तो फिर तुमने उनकी दुखती हुई नस को छेड़ा ही क्यों? मैं भी संदीप भैया की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन सच पूछो तो उनका यूं खाने की मेज को छोड़ के जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बस इस बात को यही खत्म कर दो, इस घर को संदीप की किसी बात का बुरा मानने का अधिकार नहीं है लता।
मैं हजार जन्म लूं और हर जन्म में उसके लिए जान दूं, तब भी संदीप और उसके माता पिता के एहसान से आजाद नहीं हो सकता। यह हमारा निजी मामला है, इसमें दखल देने का किसी को अधिकार नहीं है। आइंदा ऐसी गलती मत करना। संदीप गुस्से वाला जरूर है लेकिन दिल का हीरा है, जरूरत पड़े तो दूसरों की भलाई के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है। संदीप की दोस्ती मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। रंजीत आ गया। आई एम सॉरी रंजीत, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरा दिल दुखाया। मैं चला तो गया लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, तुझे देखने उल्टे पहुंच रहा है। मुझे मालूम था तो जरूर आएगा, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। वाह वाह वाह, जवाब नहीं आप दोनों का। चलिए चलिए, बहुत माफिया तलाफी हो गई, बड़े अच्छे दोस्त हैं आप दोनों। भूख लगी है ना? चलो मैं खाना लगाती हूँ। हाँ? चल। ये बकरा हलाल हो सकता है? अरे देवी जी, I'm sorry। आप बैठिए, आपको शायद चक्कर आ रहा है। पानी पानी पानी। हाँ पानी। धन्यवाद। नहीं नहीं, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? तो धन्यवाद नहीं साहब, धन्यवाद। मैं धन्यवाद की रहने वाली हूँ। अच्छा, मैं समझा। मैं अपने पिताजी के साथ बंबई घूमने आई थी, उनको अचानक दिल का दौरा पड़ गया, मैसिव हार्ट अटैक, और वो गुजर गए। अरे जो कुछ भी रुपया पैसे थे पिताजी के क्रियाकर्म में खर्च हो गए। वैसे लोग मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बदले में जी जी। Oh my God, शराफत तो इस दुनिया में रही नहीं। एक बार धनबाद पहुंच जाऊं तो बॉम्बे की तरफ मुंह करके भी नहीं सोऊंगी। आप फिक्र मत कीजिए देवी जी, ये 200 रुपए काफी होंगे? हाँ साहब, काफी है। थैंक यू वेरी मच। इसमें क्या है साहब? एक ग्लास पानी और पी लूं? पी लीजिए। थैंक यू। वैसे आप कितना पानी पियेंगे? क्या करूं साहब, भूख के मारे चक्कर आ रहा है, इसलिए पानी पी रहे हैं। आपका ऑर्डर साहब। एक काम करो, इसे यहाँ रख दो। जी नहीं, आप खा लीजिए ना। आप फिक्र मत कीजिए, मैं और मंगा लूंगा। चलो ऐसे एक ऑर्डर ले आओ। ओके सर, शुरू कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अरे ये प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपने कपड़े खराब कर दिए। ठीक है मैं अभी साफ कर देती हूँ। नहीं ठीक है ठीक है, आपकी गलती नहीं थी वो। नहीं नहीं, गलती तो मेरी है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। आप फौरन जाकर धो लीजिए, नहीं तो हल्दी का दाग नहीं जाएगा। लीजिए साहब। अरे मैडम कहाँ गई? वो तो चली गई, वो धनबाद वाली आपको धन्यवाद बोलने को कह गई है। अच्छा अच्छा, हाँ। सुनो से पैक कर दो, मैं घर जाके खाऊंगा, बिल दो। 175 रुपए 25 पैसे। अरे महंगी जगह। मेरा बटुआ, मेरा बटुआ, मेरा बटुआ, वो मेरा पॉकेट मार गई, वो लड़की मेरा पॉकेट मार गई। देखो मिस्टर, मेरे को गुटली मत देना, एक तो लड़की को खसका दिया, ऊपर से फिल्मी ड्रामा कर रहे हो। अरे शर्म, तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो? अरे रिजर्व बैंक के गवर्नर तो नहीं हो? पहले बिल का पैसा चुकाओ, नहीं तो ये घड़ी उतारो। उतारो साली चोर, मुझे चूना लगा के चली गई। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, नहीं दुखेगा। शाबाश बेबी, क्या हुआ? नर्स बेबी, बेबी डॉक्टर, डॉक्टर साहब, बेबी अच्छी बली थी, इंजेक्शन देते ही उसकी हालत बिगड़ गई। नहीं नहीं, बेबी बेबी, मेरी बच्ची बेबी। कौन सा इंजेक्शन दिया था? आप क्यों चिंता करते हैं साहब, सब माल ठीक से भेज दिया है। 150 केजी माल एक फ्लाइट से न्यूयॉर्क भेज दिया है। दवाओं की 15,000 शीशियां कलकत्ता, 15,000 शीशियां दिल्ली भेज दी हैं। पुणे, हैदराबाद, मद्रास और चंडीगढ़ का माल आज रात को रवाना कर दिया जाएगा।
वो माल कहाँ है? यही है श्रीमान जी। इडियट, 1 करोड़ का माल गोदाम में रखा जाता क्या? अरे सरकार, मैं फिर फोन करता हूँ। कौन हो तुम, यहाँ क्यों आए हो? मैं इस दवा का सारा स्टॉक खरीदने आया हूँ। तुम गलत जगह आए हो। बिल्कुल सही जगह पे आया हूँ। ये दवा तुम्हारे गोडाउन से मॉडर्न केमिस्ट के यहाँ सप्लाई हुई है। मैं डॉक्टर संदीप कुमार हूँ और इस दवा ने अभी अभी एक बच्ची की जान ली है। तुम लोग इसमें जान बचाने वाली दवा के बदले एलर्जी भर के बेचते हो। जानते हो तुम किससे भिड़ने की कोशिश कर रहे हो? चुपचाप चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी डॉक्टर। यू रास्कल! क्या बोला रे साले? लाश भी नहीं मिलेगी? लफाड़िया कहीं का। चल अबे हिलना। इस गोडाउन को सील कर दो। कोई भी यहां से कुछ ले जाने की कोशिश करे, शूट देम। चल रंजीत माय बॉय, आई एम प्राउड ऑफ यू कि तुम पहले ऑफिसर हो जिसने इतना बड़ा ड्रग का कंसाइनमेंट पकड़ा है। अब उस कमबख्त गोडाउन के मैनेजर के हलक में उंगली डालकर उस आदमी का नाम भी उगलवा लो जो उनका चीफ है। मैं जानता हूं तुम ये काम कर सकते हो। इट इज अ ग्रेट प्रेस्टीज फॉर आवर डिपार्टमेंट। कोई कसर बाकी मत रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं। थैंक यू सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अरे ये ले, ये लग जाएगा। पिताजी नो सजेशन। अरे क्या बताऊं, नहीं तो क्या देर हो रही है, चलो ना। अरे ठहरे, बस ये डिक्लेयर करने ही वाला है। हां ये देख, ओहो कांच देखे तो चिपक गए, चलो ना। पता लग गया। अरे तुम बच्चों के सामने तो नमस्ते बेटा, छोड़ो ना। अरे आओ आओ रंजीत, आओ रंजीत। हेलो रंजीत, सदा सुखी रहो। बता देखोगे, मैं आप लोगों को एक खुशखबरी सुनाने आया हूं। ड्रग्स पकड़ने के सिलसिले में मुझे 26 जनवरी को राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक मिलने वाला है। अरे वाह, वेरी गुड, मुबारक हो भाई। ये हुई ना बात। अरे ये तो बचपन ही से बहुत होशियार है। भगवान करे तुझे ऐसे सैकड़ों स्वर्ण पदक मिले। माँ, अगर मुझे रात को तुम्हारा और पिताजी का आशीर्वाद और इन दोनों का प्यार न मिला होता तो आज मैं सड़कों पर ठोकरे खा रहा होता। ये मेडल वेडल कहां से मिलता? कैसी बातें करता है रंजीत, ये सब तेरी मेहनत और ईमानदारी का नतीजा है। ये उल्लू का उल्लू ही रहेगा, जब देखो गलत राग छेड़ देता है। अरे भाभी, खुशी के मौके पे कुछ खाना ना खिलाओ। जरूर खाना तो बाद में। माँ मुंह तो मीठा करो, भूख लगी। हाँ हाँ अभी आती हूँ। माँ जी मैं भी आती हूँ। पिताजी मथा के पेड़ और आदमी का मीठा खाना काफी दूर है। अरे भाभी, अरे भाभी, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? लता, प्रकाश जल्दी से एक गिलास पानी लेकर आ। लता क्या हुआ? वो कोई सीरियस बात तो नहीं है? कोई खास बात नहीं है, लेकिन बीमारी को ठीक होने में 7-8 महीने लगेंगे। ये दवा ले आ। कच्ची इमली? कच्ची इमली नहीं मिलेगी तो कच्चे आम भी चलेंगे, साथ में मोती चूर के लड्डू, गाजर का हलवा और खोए की बर्फी। क्यों भाभी, ये सब चीजें पसंद है ना? तुम दादा बनने वाले हो। अरे वो तो मैं इमली पर ही समझ गया था। देख रंजीत, ये बहुत जरूरी है कि भाभी खुश रहे, तू इन्हें घुमाने फिराने लेके जा कर यार। मैं मुन्नी की अम्मा बन गई, तू मुन्नी
अम्मा बन गई मैं मुन्ने का अब्बा अब्बा हाय रब्बा अब मैं चलता हूँ। अरे रे ठहरो, कहाँ चल रही है? अच्छा अब मैं चलता हूँ, अब मुझसे क्या काम तुम्हें? अच्छा अब मैं चलता हूँ, अब मुझसे क्या काम तुम्हें? ठहरो ठहरो, अभी तो रखना है मेरे लाल बनाम तुम्हें। फूल खिल गए पर बहार के, फूल खिल गए पर बहार के, मंदिर शाम को 5 बजे आ जाइए। हाँ हेलो सिंथिया। हेलो बाबू जी, हाउ आर यू? फाइन, आज मेरी चेकअप की डेट है। संदीप भैया हैं? डॉक्टर साहब तो पास के गांव में एक इमरजेंसी केस पर गए हुए हैं, वापस आने में थोड़ी देर हो जाएगी। ओके, मैं कल आ जाऊंगी। बाय बाय। कहीं पर भी गाड़ी खड़ी कर देते हैं लोग। तेरे घर वाले का दुश्मन चल। क्या कर रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? बोलो भाभी, पहले मेरी बात सुनो। अब सुनने को क्या बाकी रह गया है? मेरी जिंदगी इन पत्थरों में पिस चुकी है। मेरे इस नले शरीर को यही दफन हो जाना चाहिए, इसी में सबकी भलाई है। जल्दबाजी मत करो, तुम्हारी मौत बेचारे रंजीत को जीते जी मार डालेगी। तुमने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया, वो बदमाश रंजीत से बदला न ले सके, इसलिए तुम्हारे साथ ये जुर्म करने की बुजदिली की है।
इस शर्मनाक वाक्य की जिम्मेदार तुम नहीं हो भाभी। लेकिन दुनिया तो ऐसा नहीं सोचेगी, वो तो मुझ पर कीचड़ उछालेगी। रंजीत एक सच्चे और ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, जब उन्हें मालूम पड़ेगा तो वो उस कमीने को नहीं छोड़ेंगे। नतीजा ये होगा कि हम दोनों को अदालत जाना पड़ेगा, वकीलों के गंदे गंदे उल्टे सीधे सवालों के जवाब मैं नहीं दे पाऊंगी। मुझे बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी भैया, इससे पहले कि मुझे उन जिल्लतों से गुजरना पड़े मेरा बचाना ही अच्छा है। देखो भाभी, अगर तुम आत्महत्या करोगी तो पुलिस इंक्वायरी पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद लोग यही कहेंगे कि तुम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही, इसीलिए तुमने खुदकुशी कर ली। क्या रंजीत ये ताने बर्दाश्त कर सकेगा? क्या ये समाज रंजीत को चैन से जीने देगा? मरने से तुम्हें क्या मिलेगा, क्या हासिल होगा? बोलो, जवाब दो भाभी। लेकिन इस राज को रंजीत से छुपा के इस पाप का बोझ अपने दिल पे उठाए उठाए मैं कब तक जिंदा रह सकूंगी? कब तक जिंदा रह सकूंगी? तुम्हें जिंदा रहना होगा रंजीत के लिए, हम सब के लिए, अपने होने वाले बच्चे के लिए। मेरी बात मानो भाभी, इस राज को हम दोनों के बीच में रहने दो, इसे यही दफन कर दो, चाहे कितनी ही मुसीबतें कितनी ही मजबूरियां क्यों ना है। इस राज को रंजीत तो क्या किसी को भी नहीं बताओगी, मुझे वचन दो भाभी। प्लीज भाभी, मुझे वचन दो प्लीज। मुझे अस्पताल ले चलो सेठ, मुझे अस्पताल ले। तुझे अस्पताल ले जाना बेकार है, फजूल खर्चा होगा, तेरे मर जाने में ही मेरा फायदा है। नहीं, खुदा हाफिज। समझ ही नहीं आई बात मुझे। अरे रंजीत भी आ गया। आओ बेटा। हाँ रंजीत। लता कैसी है? ठीक है। जीते रहो। आप लोग गांव से कब आए? कल। बैठो, चाय पियो। नहीं माँ, मैं चाय नहीं पीऊंगा, मैं यहाँ ड्यूटी पर आया हूँ। ड्यूटी पर? यहाँ? जी पिताजी। ये पर्स तुम्हारा है? हाँ, लेकिन ये तुम्हें कहाँ से मिला? ये पर्स मुझे एक लाश के पास मिला। लाश के पास? हाँ। तुम्हारा पर्स लाश के पास कैसे मिला? तुम वहां क्या करने गए थे? अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो मुझे तुम्हें कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करना पड़ेगा। एक मिनट, इस पर्स के आधार पर तुम संदीप को कातिल नहीं ठहरा सकते मिस्टर इंस्पेक्टर। मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये अदालत नहीं है और आप डिफेंस लायर नहीं है, चुप रहिए। रंजीत, तूने सोचा भी कैसे कि संदीप खून कर सकता है? माँ, कानून सोचता नहीं है, सबूत के आधार पर अपना कर्तव्य करता है। अरे आग लगे ऐसे कर्तव्य को, देखते हो तो इसे कैसे गिरफ्तार करता है। सुभद्रा सुभद्रा, इसे अपना कर्तव्य करने दो। रुक जा रंजीत, रुक जा। माँ, क्या मैंने तुझे पाल पोस कर इसीलिए बड़ा किया था कि तू मेरे ही घर में मेरे बेटे को गिरफ्तार करने आए? बोल, जवाब दे। मुझे इस घर में आज तक बस यही आशीर्वाद नहीं मिला था। मारो माँ, और मारो, पर ईमानदारी का जो सबक मैंने इस घर में सीखा है
वो सबक मैं कभी नहीं भूल सकता। संदीप ने अगर कत्ल किया है तो उसे कत्ल की सजा भी मिलेगी। लो रंजीत, लो मत मां, लो मत। मैं संदीप को वापस लेकर आऊंगा। सुनो, तुमने संदीप भैया को गिरफ्तार कर लिया? मैंने नहीं, कानून ने उसे गिरफ्तार किया है। रंजीत, तुम तो हमें अच्छी तरह जानते हो। हो सकता है वो बदमाश कुछ ऐसा भयानक जुल्म कर रहा हो जो संदीप भैया बर्दाश्त न कर सके हो। हो सकता है तुम भी बर्दाश्त न कर पाते। असल में मैं भगवान, रो मत लता, रो मत। तुम तो अपने संदीप भैया को कुछ ही सालों से जानती हो, फिर भी उसके लिए तुम्हारा दिल इतना पसीज रहा है। जरा मेरी हालत पर गौर करो। जो बचपन से उसके साथ रोया, उसके साथ हंसा, उसकी दोस्ती के साए में पला, मैं तुम्हें कैसे बताऊं लता कि उसे गिरफ्तार करके मैं खुद अपनी दोस्ती के नरक में जल रहा हूं। हवलदार सर, इस फाइल को कमिश्नर साहब के ऑफिस में ले जाओ। एक्सक्यूज मी। ओ बेटा प्रकाश। प्रकाश नहीं इंस्पेक्टर, मिस्टर प्रकाश चंद्र एडवोकेट कहिए, मिस्टर संदीप कुमार का वकील। लेकिन यह कैसे हो सकता है, तुम तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो। अब मैं सरकारी वकील नहीं हूं, मैंने इस्तीफा दे दिया है। क्या मैं अपने क्लाइंट से मिल सकता हूं सर? जरूर। हवलदार। यस सर। साहब को मिस्टर संदीप के पास ले जाओ। थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर। आइए सर। हेलो संदीप, अब बताओ हकीकत क्या है? बताना क्या है? देखो संदीप, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, एक वकील की हैसियत से नहीं पूछ रहा। दोस्त समझ कर सच बता दो, तुमने दारा का खून क्यों किया? अरे इस तरह खामोश रहोगे, कुछ नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें कैसे बचाऊंगा? अरे तुम्हें बचाने के लिए मैंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। देखो संदीप, वो हत्या कैसी हुई ये तुम मुझे बता दो, और वो हत्या तुमने नहीं की ये मैं अदालत को बताऊंगा। कौन? वो गुंडा एक लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था, मैंने उसका मुकाबला किया, हम दोनों में हाथापाई हुई, मैंने उसे खूब पीटा और उसे छोड़ के चला आया। मुझे नहीं मालूम वो कमीना कब मर गया। वो लड़की कौन थी? वो लड़की कोई भी हो, उसके बारे में तुम्हें तो क्या, मैं भगवान को भी नहीं बताऊंगा। अरे नहीं बताओगे तो मैं अदालत से क्या कहूंगा? क्या मैं अदालत से यह कहूं कि मेरा दोस्त स्त्री जाति का रक्षक है और उसने एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए एक आदमी का खून कर दिया और उसे उस लड़की का अता पता नहीं मालूम? अगर तुम मेरा केस नहीं लड़ सकते तो मत लड़ो, लेकिन मैं तुम्हें उस लड़की के बारे में हरगिज़ नहीं बताऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। ठीक है मत बताओ, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अच्छा सुन, वो लड़की कौन है, तुमने दारा का खून क्यों किया, ये सब मैं तुम्हें समझा दूंगा, लेकिन प्लीज इतनी मेहरबानी करना, जैसा मैं तुमसे कहूं वैसे ही तुम सबसे कहना। ओके आइए प्लीज आइए। इंस्पेक्टर, मेरा क्लाइंट तैयार है, आप इनका बयान ले सकते हैं। बैठिए। ये बताइए मिस्टर संदीप, कल क्या हुआ था? कल कार में मैं अपनी पत्नी के संग जा रहा था। पत्नी? जी हाँ, पत्नी, श्रीमती, वाइफ, बेटर हाफ। ओके इंटरेस्टिंग। अच्छा फिर? गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया तो मैं अपनी पत्नी को गाड़ी में छोड़कर पेट्रोल लाने के लिए पेट्रोल पंप चला गया। इज इट वेरी इंटरेस्टिंग? देखिए ये कोई पिक्चर की कहानी नहीं सुना रहे, जो हादसा हुआ वो बता रहे हैं। आप इनका बयान लिखिए। फिर पेट्रोल लेकर जैसे मैं वापस पहुंचा तो मैंने देखा कि वो गुंडा मेरी पत्नी की इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उसे खूब मारा। अब आप ही बताइए इंस्पेक्टर साहब, ऐसे मौके पर कोई भी आदमी खामोश रह सकता था?
भगवान न करे अगर आपकी बीवी के साथ ऐसा ही वाक्या हुआ होता तो क्या आप उस आदमी की पूजा करते आरती उतारते? मिस्टर प्रकाश चंद, ये अदालत नहीं है जो आप सवाल कर रहे हैं। मिस्टर संदीप कुमार, क्या आप अपनी पत्नी का नाम बता सकते हैं? शांति। आपकी शादी कब हुई? 18 दिसंबर 1985 को। मैं आपकी पत्नी से एक बार मिल सकता हूँ? आप नहीं मिल सकते। क्योंकि उनकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं थी इसलिए शांति जी अपनी मन की शांति के लिए तीर्थ यात्रा पर चली गई हैं। अच्छा, कौन से तीर्थ स्थान पर गई हैं? जवाब आप देंगे या ये देंगे? नहीं, ये जवाब मैं दूंगा पूरे विवरण के साथ। कब हुआ था, क्या हुआ था, इनकी शादी कहाँ हुई थी, शादी में शहनाई किसने बजाई थी, नगाड़ा किसने बजाया था, मुजरा किसने किया था, सबके पते आपको दूंगा। लेकिन यहाँ नहीं, कोर्ट में। मिस्टर प्रकाश, यू आर नॉट ए लॉयर, यू आर ए लायर। मिस्टर रंजीत, अगर दोबारा तुमने गाली दी तो मैं तुम पर इज्जत हत्या का दावा कर दूंगा और तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा। हाँ, किसकी वर्दी उतरती है कोर्ट में देखेंगे। हाँ हाँ, देखेंगे देखेंगे। कोई अतिथि की मदद करो बाबा, एक रुपया का सवाल है, भगवान तुम्हारा भला करेगा, भगवान भला करेगा। कोई अंधी को रास्ता दिखाओ बाबा, अंधी की मदद करो बाबा, एक रुपया का सवाल है, भगवान तुम्हारा भला करेगा। अंधी की मदद करो बाबा, भगवान भला करेगा, अंधी की मदद करो। तुम तो अंधी हो, फिर तुम्हें सांप कैसे दिखा? फिर 400 मुझे, चल पुलिस स्टेशन, चल। एक मिनट मेरी बात सुनिए। क्या? बचाओ, बचाओ, यहाँ मुझे छेड़ रहा है। अरे क्या उल्टा सीधा चिल्ला रही तू? मैं तुझे थाने नहीं लेके जाऊंगा, मैं तो तेरा दोस्त हूँ। हाँ, तेरे सर की कसम। तो फिर मुझे डराया क्यों? तुझसे काम था, तू एक्टिंग बहुत अच्छा कर लेती है। क्या करें, इस पापी पेट के लिए करनी ही पड़ती है। फिर भी मिलता क्या है, 25 या 50 पैसे, और यही एक्टिंग सिनेमा वाले करते हैं तो उन्हें लाखों रुपए मिलते हैं। खैर, मैं तुझे उतना तो नहीं दूंगा, जैसा मैं कहूंगा अगर वैसा करेगी तो मैं तुझे 500 रुपए दूंगा। 500 रुपए? सचमुच? क्या करना है, श्रीदेवी की एक्टिंग, मेनका का डांस या टिश्यू? ये सब नाटक फाटक नहीं, सचमुच का रोल करना है, सचमुच का रोल। क्या करना है? दया रे दया, इसमें तो इज्जत का सवाल है, 500 रुपया नहीं चलेगा, कम से कम 1000 रुपया चाहिए। 1000 रुपया? हाँ जी, बात दे दूंगा, कल टाइम पर पहुंच जाना। हाँ हाँ, आप बेफिक्र रहिए। अंधी की मदद करो बाबा, अंधी की मदद करो। रणजीत बाबा जी, कल अदालत में देख लांगे तुम। अंधी की मदद करो बाबा, सिर्फ 1 रुपया का सवाल है। अंधी एक की रुपया मदद... क्या, मैं तुझे 1000 रुपए दूंगा। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम कौन हो बाबा? पुलिस इंस्पेक्टर। अरे भाषी कहा साली, चल। सलाम। आजा। अरे मैं तो समझी थी कि आप अपने घर लेके जाएंगे, यहाँ कहाँ ले आए गुरु? ये तेरी ससुराल है, यहाँ तेरी खूब खातिर होगी। हवलदार। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुझे क्या चाहिए मुझे मालूम है, बैठ। अच्छा ये बता, सड़क पर प्रकाश ने तुझसे क्या कहा? प्रकाश कौन? वही वकील। वकील कौन? मेरे साथ नाटक मत करना, उसने तुझे संदीप की पत्नी बनने के लिए कहा ना। संदीप कौन? भेजा। ठीक है, भेजा कौन? क्या गुरु, आप क्या पूछ रहे हैं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मेरी बातें तेरी समझ में आसानी से नहीं आएंगी। हवलदार। यस सर। कल मेरे कोर्ट से वापस आने तक इसे हवाला पे बंद करके रखो, ले जाओ इसे। चलो हट। चल चल। हेलो वकील साहब। हेलो। बड़े परेशान नजर आ रहे हैं, कोई झूठा गवाह चकमा दे गया क्या? कौन किसको चकमा दे गया है या कौन किसको चकमा देगा, ये तो कचहरी में देखेंगे इंस्पेक्टर साहब। देखेंगे। सालियों की पुट्ठी आई क्यों है बेटो? मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यू कैन प्रोसीड। मिस्टर संदीप, सुना है आप बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते और गुस्से में आपे से बाहर हो जाते। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, अदालत में सुनी सुनाई बातों की कोई अहमियत नहीं होती, फाजिल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को दलील के साथ सबूत पेश करने चाहिए।
ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड, थैंक यू योर ऑनर। क्या ये सच है कि सुलेमान कालिया नाम के एक आदमी को आपने मारा, फिर आप उसे अपने अस्पताल ले गए, उसकी मरहम पट्टी की और उससे झूठा बयान दिलवाया? ये बिल्कुल झूठ। मैं कहता हूं मकतूल दारा से आपकी पुरानी दुश्मनी थी और आपने मौका पाकर उसका खून कर दिया। ये सरासर गलत है। तो आपने बिना किसी वजह के उसको मार डाला? उसका खून करने के बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। वो आपकी हत्या करना चाहता था? जी नहीं। उसने आपको अपनी हत्या करने पर मजबूर किया? जी नहीं। वो एक लड़की का बलात्कार करने की कोशिश कर रहा था, उस लड़की की इज्जत बचाने के लिए मुझे उसका मुकाबला करना पड़ा। वो लड़की कौन थी? मेरी पत्नी। आपकी तो शादी ही नहीं हुई, फिर पत्नी कहां से आ गई? मेरी शादी हुई है। योर ऑनर, मिस्टर संदीप कुमार की शादी नहीं हुई है, इसके कई गवाह हैं। लेकिन इनकी शादी हुई है ये साबित करने के लिए इनके पास एक भी गवाह नहीं है। अपने जुर्म से बचने के लिए ये शादी किए बिना ही अपनी ख्याली पत्नी की रट लगाए जा रहे हैं। मिस्टर संदीप कुमार, आपकी शादी का कोई सबूत है? जी, एक सबूत है। कौन? भगवान, जो यहां आकर गवाही नहीं दे सकता? जी नहीं, मेरी पत्नी शांति संदीप कुमार। शांति संदीप कुमार को अदालत में हाजिर किया जाए। शांति संदीप कुमार, शांति संदीप कुमार, शांति संदीप कुमार। मैं हाजिर हूँ योर ऑनर। आप शांति संदीप कुमार हैं? जी हाँ। प्लीज कम टू द विटनेस बॉक्स। गीता को हाजिर नाजिर जानकर कहिए। मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगी। देखिए मिस शांति। नो सर, मिसेस शांति संदीप कुमार। अच्छा, मिसेस शांति संदीप कुमार, वो जो मुलजिमों के कठहरे में खड़े हैं वो आपके क्या लगते हैं? वही लगते हैं जो आप अपनी पत्नी के लगते हैं। योर ऑनर, एक शादीशुदा औरत से ये पूछना कि उसका पति उसका क्या लगता है काफी अजीब सवाल है। मैं मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सलाह दूंगा कि वो घर जाकर अपनी पत्नी से ये सवाल ना करे। साइलेंस, साइलेंस। मिसेस शांति संदीप कुमार, आपकी शादी कब हुई? 18 दिसंबर सन 85 को। जी, यही तारीख थी ना? ये शादी कहाँ हुई? मंदिर में। कोई गवाह? हाँ, श्री लक्ष्मी नारायण। ये कौन साहब है? ये साहब नहीं है, भगवान है। ये पाठ आपको बचाव के वकील ने पढ़ाया है? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर मेरे गवाह को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। थैंक यू योर ऑनर। मिसेस संदीप कुमार, जिस दिन दारा की हत्या हुई उस दिन क्या हुआ था आप ब्यौरेवार बता सकती हैं? हम दोनों मंदिर से आ रहे थे, रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया और गाड़ी रुक गई। ये पेट्रोल लाने चले गए, मुझे गाड़ी में अकेला बैठा देखकर तारा ने मुझे छेड़ने की कोशिश की। इतने में ये आ गए, दोनों में मारपीट हो गई। मिस्टर संदीप कुमार को इतना गुस्सा आने के लिए दारा ने क्या किया? आपका हाथ पकड़ा? जी, वो। जवाब दीजिए मिसेस शांति। मिस्टर संदीप कुमार का बयान ये है कि आपकी इज्जत बचाने के लिए इन्होंने दारा की हत्या की। क्या ये सच है कि दारा ने आपकी इज्जत लूटने के लिए हाथापाई की और आपके साथ बलात्कार करने की कोशिश की? जी हाँ। मतलब ये कि आप में और दारा में गुत्थम गुत्था हुई? जी हाँ। क्या आप बता सकती हैं कि उस गुत्थम गुत्था में आपके हाथों दारा के बदन पर या उसके हाथों आपके बदन पर चोटें आईं? जी हाँ, बहुत चोटें आईं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब, अगर आपकी बीवी को कोई बदमाश छेड़ रहा हो तो क्या आप फौरन उस बदमाश से भिड़ेंगे या उस वक्त तक इंतजार करते रहेंगे जब तक आपकी बीवी को कोई संगीन चोट आ जाए या उसका बलात्कार हो जाए ताकि अदालत में आपका केस मजबूत हो जाए? मिस्टर डिफेंस लॉयर। यस, मैं डिफेंस लॉयर प्रकाश ही बोल रहा हूं। योर ऑनर, ये सच है कि दारा ने मिसेस संदीप कुमार की इज्जत लूटने की कोशिश की। उसी वक्त मिसेस संदीप कुमार वहां पहुंचे, लेकिन उन्होंने पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब को खुश करने के लिए संगीन चोट लगने का इंतजार नहीं किया। वो फौरन दारा पे टूट पड़े। लड़ाई के दौरान दारा अपने मुंह के बल जा गिरा। उसे उसके हाल पर छोड़कर ये दोनों वहां से चले आए। ज्यादा खून निकलने के कारण दारा की मौत हो गई। असल वाक्य ये था, योर ऑनर, एक इज्जतदार जिम्मेदार डॉक्टर लोगों को जान देता है, जान लेता नहीं। मैं इस अदालत से दरखास्त करूंगा
कि इस केस के असली पहलू पर गौर करके मेरे क्लाइंट के साथ इंसाफ करें। दैट इज ऑल योर ऑनर। दारा की हत्या संदीप कुमार के हाथों हुई, लेकिन अपनी पत्नी की इज्जत बचाने के लिए इन्हें मजबूरन दारा के साथ हाथापाई करनी पड़ी। उस परिस्थिति में कोई भी मर्द वही करता। मिस्टर संदीप कुमार ने यह हत्या जानबूझकर नहीं की, इसलिए अदालत इन्हें बेगुनाह मानती है और इन्हें बाइज्जत रिहा करती है। शेम, डैम शेम। तुमको भी शेम और मुझको भी शेम। माफी चाहता हूं सर। माफी मांगना भी शेम। इससे पहले तुमने हमेशा ईमानदारी और मेहनत के साथ काम किया है, लेकिन चूंकि ये केस तुम्हारे दोस्त संदीप के खिलाफ था, इसलिए जानबूझकर तुमने ये केस ढीला कर दिया और अपने दोस्त डिफेंस लॉयर प्रकाश को हमारे डिपार्टमेंट को नीचा दिखाने का मौका दिया शेम। और मैंने तुम पर भरोसा किया, किया ना, इसलिए मुझ पर डबल शेम। मैं इतना बेईमान नहीं हूं सर कि दोस्ती के खातिर अपने फर्ज के साथ गद्दारी करूं। तो फिर संदीप मर्डर जैसे संगीन चार्ज से कैसे बच गया शेम? इस मामले में मैं हार मानने वाला नहीं हूं सर। ये केस अभी खत्म नहीं हुआ है। संदीप की नकली बीवी का राज पाश करके ही रहूंगा। जब तक डॉक्टर संदीप कुमार को गुनहगार साबित करके उसे सजा नहीं दिलवा लूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा सर। मैं मानता हूं कि मरीजों का इलाज करके उनकी जान बचाकर तुम पुण्य कमा रहे हो, इसलिए बेटे डॉक्टर को तो बड़े ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। अब तुम्हारा गुस्सा हर वक्त नाक पर धरा रहता है। ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ऐन मौके पर आकर इस लड़की ने बचा लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। कुछ भी नहीं होता पिताजी। अरे कुछ कैसे नहीं होता, तुम समझते ही नहीं हो। ओफो प्रकाश, मैं तो समझा था कि वो सड़कों की महारानी शांति गवाही देने आएगी, लेकिन इस बात का मुझे शानो गुमान ही नहीं था कि रेखा शांति बनकर आ जाएगी। अरे मैंने तो उसी शांति को पटाया था यार, मगर रंजीत ने उसे धर लिया और थाने में भर दिया। लेकिन ऐन वक्त पर ये कोर्ट में कैसे पहुंच गई? मुझे मद्रास में पता चला कि डॉक्टर संदीप कुमार कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार हो गए हैं। वहां से मैंने आपको फोन किया था। मुझे फोन किया था? जी हाँ, और उस फोन को इस बंदे ने उठाया, रेखा जी को यहाँ बुलाया और अदालत शुरू होने तक इन्हें छिपा के रखा। रंजीत को इस बात की हवा तक नहीं लगने दी, और फिर जब कोर्ट में शांति का नाम पुकारा गया तो ये अपना सर बड़ी शान से उठाकर हाजिर हो गई। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई, भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे। मेरी जिंदगी इन्हीं की देन है आंटी जी। अगर उस दिन ये मुझे नहीं बचाते तो उन गुंडों ने मुझे बर्बाद कर दिया होता। शुक्र है मुझे इनका कर्जा उतारने का ये मामूली सा मौका मिला, इसमें मैंने कोई त्याग नहीं किया। शांति जी, आपके त्याग ने मेरे दोस्त की जान बचाई। मैं भी इन सबके साथ मिलकर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। रंजीत साहब, पति पत्नी के बीच में सिर्फ प्यार होता है, त्याग व्याग नहीं। मुझसे शादी करके इन्होंने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। सच बोलकर मैंने अपने पति को बचा लिया, ये कौन सी अनोखी बात की मैंने। मैं यहाँ इंस्पेक्टर रंजीत की हैसियत से नहीं आया हूँ, एक दोस्त के नाते आया हूँ। मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उसकी शिकायत करने आया हूँ। पिताजी, संदीप की शादी में मुझे भी तो शामिल होना चाहिए था, वो सुनहरा मौका मुझे नहीं मिला। संदीप, मैं अपनी बहन से तेरी शादी करवाना चाहता था, मेरा वो अरमान पूरा नहीं हुआ। मुझे इससे ज्यादा अफसोस और किस बात का हो सकता है। दिल छोटा मत कर मेरे भाई, तू मेरी पत्नी को अपनी बहन मान ले, शांति को तो अपनी बहन ही बना सकता क्या? क्यों नहीं, अगर शांति जी को कोई एतराज ना हो तो आज से शांति को ही मैं अपनी बहन समझूंगा। रंजीत भैया, आज से मैं आपको ही भगवान का दीवा भाई समझूंगी। अब मेरे मन को शांति मिली, ये लो तुम्हारी शादी का तोहफा। थैंक यू। देर से दे रहा हूँ, फिर भी प्यार से दे रहा हूँ। शांति बहन, पुलिस वालों का तोहफा है, खोल के देख लो, हो सकता है इसमें कुछ रखा हो। भाई हो सकता है, तू नहीं सुधरेगा, तेरी वकील बुद्धि में शक कूट कूट के भरा हुआ है। संदीप, अपनी शादी पर तो तुमने नहीं बुलाया, बहुत ज्यादती की। खैर कोई बात नहीं, इस खुशी के मौके पर आज तुम सब लोगों की मेरे घर पर दावत है। आहा, भाई पूरे दिन में तूने यही एक अच्छी बात की है रंजीत। ले हाथ मेरा, मैं अभी लता भाभी को फोन की देता हूँ कि अगर तीतर बटेर मिले हैं तो वो भी बना ले। पिताजी, आपको तीतर बटेर पसंद है? बहुत पसंद है तीतर बटेर। क्या भाई? हाँ, तुम बच्चों की धमा चौकड़ी में हमारा क्या काम, तुम लोग हो आओ। चलो रंजीत, ठीक है। सरा चौकने रहना, रंजीत कोई ना कोई चक्कर चलाने की कोशिश में रहेगा, तभी तो सर ने खाने में बुलाया। हर बात ध्यान से, ओके रेखा? रेखा नहीं, शांति। लो, मैं चौकने रहने को कह रहा हूँ, मैं कच्चा खा गया।
खड़े खड़े क्या खुसफुस कर रहे हो? आओ ना। अरे भाई आ रहे हैं। आइए। तुम इनकी क्या खातिर करने वाले हो उसके बारे में इनसे कह रहा था। अच्छा लता जी कहाँ है? किचन में। मैं वहीं जाती हूँ। जाइए ना भाभी। लता आज दूल्हा दुल्हन की खास दावत करने वाले हैं, दोपहर से किचन में जुटी हुई है। इसीलिए मैंने दोपहर का खाना खाया है। चुप चुप क्यों खड़ी हो? कुछ बोलो, बात करो। मुझे बोलने से डर लगता है। क्यों? असल में मैं बहुत बड़बड़ करती हूँ, इसलिए डर लगता है कि कहीं उल्टा सीधा ना बोल जाऊँ। इसमें डरने की क्या बात है? तुम पुलिस इंस्पेक्टर की बीवी हो इसलिए। तो क्या हुआ, डरने की जरूरत नहीं है। क्या मैं जान सकती हूँ तुम कौन हो? मैं डॉक्टर संदीप कुमार की बीवी हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन असल में तुम कौन हो? क्यों, तुम्हारे पति ने सब पूछताछ करने को कहा है? नहीं नहीं, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। तुम्हें सब बता दूंगी, लेकिन तुम अपने पति से कुछ नहीं कहोगी ना? बिल्कुल नहीं। ये कैसे हो सकता है? पति पत्नी के बीच में कुछ राज हो सकते हैं क्या? कुछ ऐसे राज होते हैं जिन्हें पति से भी छुपाना पड़ता है। अच्छा ये बताओ, डॉक्टर साहब ने तुम्हें मेरे बारे में क्या बताया? कुछ नहीं बताया। क्या पता पति भी अपनी पत्नी से कुछ राज छुपाते होंगे? अरे भाभी हो, आप दोनों यहाँ गप्पे ही लड़ाती रहेंगी या भोजन का भी इंतजाम करेंगी? अरे कभी पेट के आगे भी कुछ देख लिया करो लाला। तुम चलो, मैं एक मिनट में खाना लगाती हूँ। वाह लता भाभी, बहुत बढ़िया खाना बना। ज्यादा तारीफ मत करो लता की, इस खाने में शांति बहन का भी हाथ है। क्यों बहन? नहीं नहीं, ये सब कुछ लता भाभी ने ही बनाया है। मैं नहीं मानता। क्यों बेटो? डिस्टर्ब मत कर यार, खाना खा दे। हाँ पेट भर के खाओ। एक्सक्यूज मी। सुनो संदीप, खाना वाना हो गया, अब तक मामला बिल्कुल फिट था, अब जितनी जल्दी यहाँ से खिसक लें इसी। ए बेटो लो पान खाओ, खाना बहुत ज्यादा खा लिया ना? बहुत खा। पान खाने से हजम हो जाएगा। अच्छा शुक्रिया दोस्त, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत अच्छा खाना खिला, खूब डट के खा। अब अगर तुम्हारी इजाजत हो तो हम सब घर जाके सो जाते हैं। उठो प्रकाश, तुम घर जाके आराम से सो जाओ, ये दोनों आज रात यहीं ठहरेंगे, कल सुबह आएंगे। अच्छा। अरे यार तुम क्यों तकलीफ करते हो, और फिर शांति के लिए भी ये नई जगह है ना? क्यों? करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट करेक्ट। अरे इनकी नई नई शादी हुई है, काहे को इनको परेशान करते हो? इनको अकेले में मौज कर रहे हो ना, यू नो व्हाट आई मीन। व्हाट? अच्छा रंजीत हम लोग चलते हैं यार। कहाँ जा रहे हो? घर। अरे मैंने तुम लोगों के लिए क्या क्या इंतजाम किया है मालूम है? क्या क्या? आओ आओ दिखाता हूँ, आओ ना। आओ संदीप आओ, देखो तुम्हारे लिए कैसे बढ़िया सजाया है, बिल्कुल नया दूल्हा दुल्हन के कमरे जैसा। ओहो ये तुमने खुद सजाया है? हाँ। अच्छा अच्छा, फंस गए भी तुम। अच्छा वेरी गुड, बहुत अच्छा वेरी गुड। संदीप तुमने अपनी सुहागरात कहाँ मनाई, कैसे मनाई ये मैं नहीं जानता, इसलिए मैंने ये सारा इंतजाम किया है। मेरे खुशी के लिए आज रात यहीं ठहर जाओ। लेकिन मैं मेरी कसम। ओके थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम। ए बेटो क्या बात है, तेरा यहाँ क्या काम? तुमसे काम नहीं, इससे काम है तेरा। एक मिनट चलना। नहीं चल यार। तो अरे उससे काम है भाई, तुमसे नहीं उससे काम है भाई। रंजीत अरे यार मैं बहुत थक गया हूँ, रात भी कितनी हो गई है। एक काम कर, एक चटाई दे दे, एक तक्के दे दे, मैं यहीं सो जाता हूँ। नहीं सो जाता हूँ यहाँ। हाँ। अरे वो अकल के दुश्मन, तू ठहरा ब्रह्मचारी, अंदर दुल्हा दुल्हन सुहागरात मनाएंगे। हाँ? तुझे यहाँ नींद कैसे आएगी? यू नो व्हाट आई मीन। व्हाट? तू घर जाके आराम से सो जा, चल। तुम्हें बाहर नहीं जाऊंगा। गुड नाइट। गुड नाइट के बच्चे, गुड नाइट। रंजीत मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, मुझे तो यकीन है वो सचमुच पति पत्नी है। आज पता चल जाएगा वो सचमुच पति पत्नी है कि नहीं। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। नई नई जगह है ना? मैं कपड़े बदल के लाती हूँ। ओके।
मैंने उनके कमरे में वीडियो कैमरा लगा दिया है, अब इधर देख लीजिए उधर क्या चल रहा है। मुझे मालूम है तुम बहुत ही सिंसियर और ईमानदार पुलिस ऑफिसर हो, मैं तुम्हें ट्रेनिंग के लिए अमेरिका भेजूंगा। थैंक यू सर, बैठिए। लो दूध पी लो। अभी नहीं। पी लो ना, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। ये दूध वूध सब बाद में। गुड मॉर्निंग रंजीत। गुड मॉर्निंग। अरे ये क्या, सुहागरात हम लोग मना रहे थे और थके थके तुम लग रहे हो, रात भर सोए नहीं? ब्लू फिल्म देख रहे थे क्या? ऐसी कोई बात नहीं, बैठ चाय पी। चाय छोड़ो, अब हम चलते हैं। नहीं नहीं
नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आप लोग नाश्ता करके जाइए, तैयार है। अरे भाभी, नाश्ते वाश्ते के चक्कर में मत पड़ो, नाश्ता फिर कभी। चलो रेखा। ये क्या, तुम शांति बहन को रेखा कह के बुला रहे हो? क्यों बहन, तुम्हारा नाम शांति है या रेखा? मेरी मैके का नाम शांति ही है, लेकिन ये कहते हैं कि जब से मैं इनके जीवन में आई, इनके भाग्य की रेखा बदल गई, इसलिए कभी कभी ये प्यार से मुझे रेखा भी बुला लेते हैं। I see. Bye, रंजीत। Bye. टीवी देख के कमिश्नर साहब ने बड़ी झाड़ पिलाई होगी इंस्पेक्टर साहब को। अरे हंसो मत, इस बार तो तुम बच गए, लेकिन वो रंजीत तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। अरे तुम सब जानते हो कि बचपन से वो कितना जिद्दी है, और फिर अब तो वो एक घायल शेर की तरह बार बार तुम पर हमला करेगा। अरे अब आगे की सोचो। अब हमें क्या सोचना है पिताजी, सोचना तो आप ही को है। मुझे जी। तो फिर बैठो, सोचते हैं। सुनो, रेखा अब तक उसकी बीवी का नाटक करती आई है, अब रेखा को उसकी सचमुच की बीवी बना डाले, इन दोनों की शादी कर डालो, तो फिर रंजीत का मुंह खुद ब खुद बंद हो जाएगा। भाई वाह, भाई वाह, व्हाट एन आईडिया, व्हाट एन आईडिया। हाँ बेटा, रेखा हम सबको पसंद है, सुंदर है, गुणवान है, तो झटपट उससे शादी कर ले। माँ मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन रेखा की राय जान लेना भी तो जरूरी है। पिताजी ये तो ऐसे ही टाल मटोल करता रहेगा, आप ही बात पक्की कर लीजिए ना। वारी है, वारी है, बात कर लेना। ये लीजिए अंकल कॉफी। हाँ बहुत अच्छे बेटी, ये कॉफी तुमने बनाई है ना? जी अंकल। बहुत टेस्टी है। बेटी मैं चाहता हूँ कि हर रोज तुम्हारे हाथ की बनी हुई कॉफी पीऊं। क्यों प्रकाश? क्या पिताजी, क्या घुमा फिरा के बात कर रही है, कैसे हो सकता है जब तक ये बहू बनकर घर में नहीं आ जाती? हाँ तो ये कौन सी मुश्किल बात है, बहू बन जाएगी। हाँ रेखा जी, आप संदीप से शादी कर लीजिए, बस मेरी भाभी बन जाइए। जिसको ये सवाल पूछना चाहिए अगर वो पूछे तो मैं जवाब दूंगी। ये भी करेक्ट है। संदीप ये गूंगा क्या बना बैठा है, सुनने क्या कह रही है, जाके पूछ। अरे पूछ ना पूछ। रेखा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने आपकी मदद की, इसलिए एहसान उतारने के लिए शादी करना चाहते हैं क्या? एहसान उतारने के लिए नहीं रेखा, मैं दिल से तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। थैंक गॉड, आखिर आपने अपने दिल की बात कह ही डाली, मुझे मंजूर है। मुबारकबाद, बात बन गई। पिताजी अब आप बिल्कुल देर मत कीजिए, कहीं इनके इरादे बदल ना जाए, आप इनकी शादी तुरंत कर लीजिए। अरे बेटा मैं एक मिनट की देर नहीं करूंगा, देखना मैं इन दोनों की शादी किस धूमधाम से करता हूँ। फिर धूमधाम से शादी यहाँ नहीं होगी, पुलिस स्टेशन में होगी। पुलिस स्टेशन? वो क्यों? वो इसलिए कि पुलिस की रिकॉर्ड में इनकी शादी हो चुकी है, उस झूठी शादी की खबर सबको है, ये सचमुच की शादी एकदम चुपचाप से करनी पड़ेगी। वो तो ठीक है, लेकिन दुल्हा दुल्हन के लिए कपड़े वपड़े तो खरीदने पड़ेंगे, पंडित को तो बुलवाना पड़ेगा ना। तुम फिक्र मत करो, पंडित का काम मैं कर लूंगा। तो पंडित तुम? हाँ पिताजी, मंत्रों की किताबें मेरे पास, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, कपड़े शपड़े आप खरीद लीजिए। हाँ पिताजी। हाँ ये भी ठीक है। अरे कुछ मुझे जी ने छोटे पन्ना की इक्का राजा रानी। चलो भाई साहब ठीक से देखो, ठीक से देखो, इक्का राजा रानी, अपनी किस्मत आजमाओ, अपनी किस्मत आजमाओ। एक का पांच, एक का पांच, एक का पांच, एक का पांच, चलो। अबे कौन है तू, चल पैसे रख इधर। ए छोकरी यहाँ क्या कर रही है, परमिट है? परमिट? ए छोकरी यह अपन का एरिया है, यहाँ धंधा करने के लिए गुरु के पास से परमिट लेना पड़ता है, चल निकाल कमीशन। साले मेहनत मैं करूँ कमीशन तू खा, चल फुट यहाँ से। के अपन से दादागिरी करती है? पुलिस पुलिस पुलिस। बहुत होशियार छोकरी है, इस छोकरी को छोड़ना मत रे, उठाओ रे। ऐसी नाजिक सी छोकरी को टूटे हुए कबाड़ की तरह लिया जा रहे हो, शर्म नहीं आती? नीचे करो, नीचे करो, उतारो, उतारो। समझाओ ना साहब इनको। अबे ओ सांड की औलाद, एक छोकरी को तू ऐसे लेके।
जोड़ा ठीक रहेगा ना? अरे क्या खाब ठीक रहेगा ये? ये भी कोई जोड़ा है? अरे लेटेस्ट फैशन का तुम्हें क्या मालूम है? अब तुम बुड्ढी हो गए। चलो आटो, मैं सेलेक्ट करता हूँ। और दिखाओ। क्या सेलेक्ट हो रहा है पिताजी? अरे आनंद जी, तुम भी बहू के लिए साड़ी खरीदने आए हो क्या? वो नहीं नहीं, बाहर मैंने आपकी गाड़ी देखी तो चला आया। ये खरीदारी किसके लिए हो रही है? शादी के लिए। किसकी शादी? अरे अपने संदीप की। अरे सबके सामने कोनी क्यों मार रही हो? और नहीं तो क्या करूं, संदीप की शादी तो कब की हो चुकी। रंजीत बेटा, उसके किसी दोस्त की शादी है। हाँ, दोस्त की शादी है। अच्छा, उस बेचारे के आगे पीछे कोई नहीं है, सब कुछ हमें ही करना है। हाँ, सब कुछ हमें ही करना है। पिताजी आप कहें तो दूल्हे के लिए कपड़े मैं पसंद कर दूं? अरे हाँ जरूर जरूर, ये तो उसके लिए खुशकिस्मती की बात है। अरे भाई दिखाओ कपड़े, दिखाओ। ओम भूर भूर स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न। अरे मेरी धोती क्या है? ओम भूर भुवस्य स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम। हेलो प्रकाश। हेलो हेलो रंजीत, हेलो हेलो। तुम अचानक इस वक्त कांटो पकड़े भाई? ऐसे ही। अच्छा बाहर जा रहा हो क्या? हाँ जा तो रहा था, लेकिन क्या है कि बिल्ली रास्ता काट गई इसलिए रुक गया मैं। वो पानी पी लूंगा तो बल्ला टल जाएगी। पानी। क्यों भाई, ये धोती कुर्ता या रामनवमी क्या पंडिताई शुरू कर दी है? नहीं वकालत ठप हो गई है क्या, या किसी शादी वादी में जा रहे हो? ना किसी की शादी में जा रहा हूँ ना किसी के शादी में। देखा नहीं कितनी गर्मी है, ओहो कितनी उमस है, बदन में हवा लगती है इसलिए मैंने कपड़े पहन लिए। असल में बात यह है कि मैं घर में बैठा बैठा बोर हो रहा था तो सोचा जाके पिक्चर देख लूं। अरे हाँ तुम भी साथ में चलो ना पिक्चर देखने, टिकट के पैसे नहीं लगेंगे, तुम पुलिस वाले हो ना। अरे छोड़ो यार पिक्चर, आजकल अच्छी पिक्चर ही नहीं चल रही। आओ आओ मेरे साथ। प्रकाश हम दोनों ने ताश बहुत दिन से नहीं खेले। मैंने जुआ खेलना छोड़ दिया है। ऐसे ही फ्रेंडली गेम खेलेंगे, बैठो मुझे एक घंटा गुजारना है। एक घंटा? हाँ एक घंटे तक मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। एक घंटा तो बहुत ज्यादा है यार। क्यों क्या बात है? अब तुमसे क्या छिपाना यार, बात यह कि हाँ बोलो बोलो सच बात क्या है, मैं वही तो सुनना चाहता हूँ। मैं कोई सिनेमा देखने नहीं जा रहा। फिर कहाँ जा रहे हो? मैं अपनी माशूका से मिलने जा रहा था, यू नो व्हाट आई मीन। और हाँ संदीप से मत कहना, संदीप से बिल्कुल मत कहना। अरे ओ वकील किदुम, मैं पुलिस वाला हूँ, मुझे चलाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, नहीं। चक्कर कुछ और ही लगता है, ज्यादा गड़बड़ की है तो अंदर कर दूंगा। चल ताश खेल। ताश कैसे खेलेंगे, मेरे घर में तो ताश ही नहीं, तो ताश खेलेंगे कैसे, ताश तो हो ही नहीं सकती। मैं जानता था तो ये बहाना करेगा, इसलिए ताश लेके ही आया हूँ। चल तुम्हारा भी जवाब नहीं गुरु, पूरी तैयारी के साथ आया हो। हाँ कुछ ऐसा ही है। क्या हुआ? कुछ नहीं यार तू बाट। अरे हुआ क्या यार, बड़ी जोरों से पेट में ऐठे उठ रहे हैं, तुम्हारे साथ ताश खेलूंगा तो बाजी छोड़कर जाना ठीक नहीं होगा। ये कपड़े पहनकर बाथरूम जाएगा तो ये कपड़े अपवित्र हो जाएंगे। तुम्हारे साथ थोड़ी देर और बातें करूंगा तो ये सोफा पवित्र हो जाएगा। अरे चल भाग, इधर गड़बड़ मत कर देना, चल भाग। थैंक यू। अरे ओ मरियो मरियो, उधर कहाँ जा रहा है? बाथरूम ऊपर है। अरे हाँ मैं भूल गया, अभी अभी आया, मैं बस बैठा और आया। हाँ अभी आया अभी आया। प्रकाश अरे कमाल करते हो, अभी तक घर ही बैठे हो, संदीप और रेखा तैयार हो गए हैं, तुम्हारे बगैर शादी कैसे होगी? मंत्र तो तुम नहीं पढ़ने, दौड़कर फौरन आना नहीं तो मैं टांगे तोड़ दूंगा, समझे? हाँ प्रकाश, प्रकाश प्रकाश
ये क्या है? शादी के मंत्र पढ़ने आया या कबड्डी खेलने? ये जल्दी में क्या नंगे क्या आया? इतने देर कहाँ करते? पिताजी मैं तो ठीक वक्त पे आ जाता, लेकिन अचानक वो रंजीत आज हमका, उसको चकमा देने के चक्कर में मैं खुद घनचक्कर बन गया। ठीक है ठीक है, जल्दी। अब आप दोनों पति पत्नी हो गए, बाल बच्चों के साथ फलो फूलो सुखी भवंतु। भैरव बाबा आ गए, आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं उसकी मिजाज पूर्ति करता हूँ। अरे रंजीत, I'm sorry यार, मैं तुझे बिना बोले चला आया। वो हुआ ये कि तू तो जानता है मेरा कैरेक्टर कितना अच्छा है। वो क्या, मैं मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, ना मैं जुआ खेलता हूँ, मुझे बुरी आदतों से परहेज होती। अरे उधर का ना, अरे उधर नहीं। श्री 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 108 माननीय श्री देवेंद्र प्रताप जी तथा उनकी पत्नी श्रीमती सुभद्रा देवी जी षष्ठी अवधि पूर्ति यानी कि 61वीं वर्षगांठ पर एक बार फिर विवाह कर चुके हैं। इस शुभ अवसर पर आए हुए उपस्थित मेहमानों का मैं स्वागत करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ पुण्य दंपति से कि चिरायु संपन्न और स्वस्थ रहने का आशीर्वाद ले। बरस का दूल्हा दुल्हन 55 साल की 60 बरस का दूल्हा दुल्हन 55 साल की जय बोलो जय बोलो नंदलाल की 60 बरस का दूल्हा दुल्हन 55 साल की दीपक बाती क्या है चंदा और चकोरी इनकी जोड़ी जैसे अरे इनकी जोड़ी जैसे शिव जी पार्वती की जोड़े 60 बरस का दूल्हा दुल्हन 55 साल की साथ हमारे झूमो गाओ बन जाओ बाराते 60 बरस का झूला दुल्हन 55 साल की जय बोलो जय बोलो नंदलाल की। देखो पिताजी और माताजी देखो पिताजी और माताजी मैं तुमको समझाता जी जन्म जन्म तक साथ निभाना जन्म जन्म का ये नाता जी। ओए मैं मूर्ख हूँ ओए 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 मैं मूर्ख हूँ पर पंडित का मैंने काम किया है तुम दोनों को पति पत्नी का मैंने नाम दिया है 60 बरस का दूल्हा दुल्हन 55 साल की Thank you.
शादी का भी यूं ही जश्न मनाए, लोग हमारी शादी का भी यूं ही जश्न मनाए, आज जो हमने गाया है ये गीत मिलन का गाए, साठ बरस का दूल्हा दुल्हन पचपन साल की, खत्म। बहुत खूब पिताजी, बहुत खूब। 58 साल की उम्र में आपने 61 सालगिरह मनाई, इसके पीछे क्या राज है मुझे मालूम नहीं, लेकिन दुख इस बात का है कि इसके बारे में भी आपने मुझे कोई खबर नहीं दी। अरे कैसी बातें कर रहा रंजीत, इस उम्र में पिताजी दोबारा दूल्हा बने थे इसलिए बुलाते हुए शरम आ रही थी। अब पुलिस की छानबीन छोड़ो, पिताजी के चरण छू, जा आशीर्वाद ले। पिताजी, अन्याय से लड़ना और मुजरिमों को कानून के हवाले करना मेरा फर्ज है। कुछ लोग अपनी चालाकी से मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं भी उन्हें छोड़ने वाला नहीं। एक न एक दिन मैं उन्हें गिरफ्तार करके ही रहूंगा, मैं कसम खाता हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने काम में सफल हो जाऊं। सोच क्या रहे? सोचना क्या है, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा बच्चों के लिए है। बहुत बहुत मुबारक हो संदीप कुमार जी, और तुमको भी बहुत बहुत मुबारक हो शांति बहन। मुबारक हमें क्यों दे रहे हैं रंजीत भैया, शादी तो घर के बड़ों की हुई है। हाँ शादी किसी की भी हुई हो, लेकिन तुम इतनी भोली नहीं हो कि मेरी बात का असली मतलब ना समझी हो। काश एक बार फिर खेलेंगे वकील साहब। हाँ 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 हाँ। बाय बाय। बाय। रंजीत के बगैर शादी करते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा था, लेकिन संजोग ऐसा हुआ कि वो शादी में आ ही गया, चाहे किसी भी वजह से आया हो। यह हमारी अटूट और अमर दोस्ती की ताकत है। शादी मुबारक हो। ऐसे क्या देख रहे हो? अदालत में भी तुमने मेरी बीवी बनकर गवाही दी, लेकिन देखा तुम्हारी मांग में सिंदूर भरने के बाद ही मैंने तुम्हें बीवी के रूप में देखा है। मैं बहुत किस्मत वाला हूं कि मुझे तुम जैसी सुंदर और गुणवान पत्नी मिली। ये मेरा सौभाग्य है कि तुमने मुझे अपनी पत्नी स्वीकार किया, मैं धन्य हो गई। इस खुशी के मौके पर मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ हाँ पूछो। तुम्हारी अर्धांगिनी होने के नाते तुम्हारे हर दुख सुख में तुम्हारा साथ देना मेरा धर्म है, इसी तरह तुम्हारे हर राज में भी मैं शामिल हो सकती हूँ ना? हाँ हाँ क्यों नहीं। तो फिर मुझे बताओ ना कि वो कौन है जिसके लिए तुम फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गए थे। वो कौन सी औरत है जिसकी आबरू बचाने के लिए तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी? रेखा। नाराज मत हो, अब ये नाटक नहीं हमारी सच्ची जिंदगी है। मैं तुम्हारी जीवन संगनी हूँ, क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं कि तुम्हारे दिल के अंदर छुपे हुए राज को जान सकूं? तुम मेरी धर्म पत्नी हो, मेरी जीवन संगनी हो, मुझ पर तुम्हारा पूरा पूरा अधिकार है, लेकिन इस राज के बारे में उससे कुछ मत पूछो। उसे दुनिया में मेरे से और कोई नहीं जान सकता, उसे मेरे पास ही रहने दो। अगर दोबारा तुमने इस बात का जिक्र भी किया तो मुझे जिंदा नहीं देखोगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वकील साहब, कब तक भाभियों के खाने की तारीफ करते रहोगे? अब तो संदीप भैया की शादी भी हो गई, रह गए तुम। अब जल्दी से अपने लिए कोई बीवी ढूंढ लो, फिर देखना कितना सुख मिलता है तुम्हें। मेरी तरफ से पूरी तैयारी भाभी, उसी कोशिश में भी लगा, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी भाभी। घर में कोई है? कौन है?
नमस्ते मैडम। नमस्ते, किसे मिलना है? मिलना नहीं, आपको सोप, साड़ीज, परफ्यूम्स, ट्रांजिस्टर चाहिए? नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए। देखिए तो सही, सब विलायती माल है, विलायती। यार्डले, कैमे, देखिए। तुम और यहाँ? अरे आप? अच्छा, तो अब ये धंधा शुरू कर दिया? अरे गुरु, सब ठीक है ना? हाँ ठीक है, उस दिन तुम्हें बचाते बचाते हम पिट गए और अब पूछ लिए सब ठीक है। ए, ये ठीक है कौन है? भाभी, इस ठीक के पीछे बहुत लंबी कहानी है। हेलो प्रकाश। हाँ अंजीत, क्या हो रहा है? बस यार कुछ नहीं। अरे तुम? हेलो इंस्पेक्टर गुरु। झूठी गवाही देना बंद कर दिया क्या? आप यहाँ कैसे? ये मेरा घर है। ये आपका घर है? तब तो मैं जलती हूँ। रंजीत, तुम इसे जानते हो? हाँ अच्छी तरह जानता हूँ। कैसे? अंबेडकर रोड पर झूठी गवाही देने के लिए। झूठी गवाही? ये क्या कह रहे शांति? ये क्या कह रहे? मेरी समझ में कुछ नहीं। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। अच्छा गुरु, जब वक्त मिले तो मेरे घर पर आइए, अंबेडकर रोड पर है, मकान नंबर 400/20। 400/20 नहीं, 420। स्मगल सामान बेचना जुर्म है, थाने चलो। थाने जाने दो ना रंजीत, बेचारी पेट भरने के लिए करती होगी। अरे लता, ये बहुत पहुंची हुई चीज है। भीख मांगने में उस्ताद, पत्ते लगाने में मायर, गिर गिर की तरह रंग बदल बदल के रोज लोगों को ठगती फिरती है। ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। एक बेबस बेसहारा लड़की की बेइज्जती करना कोई बहादुरी नहीं है इंस्पेक्टर साहब। मैं भी एक शरीफ खानदान की एक शरीफ लड़की हूँ। हाँ, पकड़े गए तो चोर नहीं तो साहूकार। शरीफ लड़कियाँ वो सब नहीं करती फिरती जो तुम कर रही हो। इसके पीछे एक दर्द भरी कहानी है, बदले की भावना है, बचपन से मेरे सीने में सुलगती हुई आग है। बा बा ब्लैक शीप, बा बा ब्लैक शीप, हैव यू एनी वूल? बोलो, हैव यू एनी वूल? गुड, और एक बार बोलो, बा बा ब्लैक शीप। भैया मुझे नींद आ रही है। बस एक बार और। नींद आ रही है भैया। अच्छा तो जाके सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे भैया, आप नहीं सोएंगे क्या? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सुलाए देता हूं। आप मेरे खिलाफ पुलिस में मुखबरी करके तुमने सोचा होगा कि मुझे पता नहीं चलेगा क्यों? ये आप क्या कह रहे हैं सर? मेरा तो रोम रोम आपके एहसानों में जकड़ा हुआ है। मैं भला ऐसे नमकहराम में कर सकता हूँ? पैसे के लालच में वही तो किया तुमने। हमारे धंधे में पुलिस को खबर करने वालों के साथ क्या सुलूक किया जाता है वो तो तुम जानते ही होगे। नहीं, मुझे मत मारिए साहब, मेरी बहन नाराज हो जाएगी। उसका इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं है। मुझे छोड़ दीजिए साहब, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। मुझे मत मारिए साहब। बाबा ब्लैक शीप। चुप हो जाओ शांति, चुप। तो मत बहन, तुम उस हत्यारे को पहचान सकती हो? हाँ अच्छी तरह पहचान सकती हूँ। उस हराम खोर को तो मैं उसके मरने के बाद ही भूलूंगी। ये है वो कुत्ता। इसी ने तुम्हारे भाई का खून किया? हाँ, इसी कुत्ते ने। ये जहां भी होगा मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। आज से तुम यही रहो बहन, तुम्हें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। इसी को अपना घर समझो। हाँ हाँ, तुम इसे ही अपना घर समझो। दिल मेरा अटका, एक लड़के का एक लड़की से एक लड़...
गए हो गए हो गए आंख मटका मटका झटका झटके पे झटका दस्तखत करवा लो अच्छा तुम मुझ पे मोहर लगा दो अपनी बाहों का पहना दो हाँ अरे हार मुझे नौलखा नौलखा झटका आ झटके पे झटका क्या बात है भाई दोनों खड़े खड़े होली खेल रहे हो नहीं नहीं ये अपने सुध-बुध खो बैठे थे तो मैंने होश में लाने की कोशिश कर रही थी समझी नहीं ये दोनों प्यार के रंग में रंग गए हैं क्यों लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया गया है कि हमारे शहर में ड्रग्स का रैकेट रॉकेट की रफ्तार से फैल रहा है और आप लोग इस रैकेट की सुई की सिर्फ नोक तक ही पहुंच पाए हैं जबकि रैकेटियर्स आप लोगों की तमाम कोशिशों को अपनी चालाकी के समंदर में मुतवातिर डुबोते चले आ रहे हैं शेम डैम शेम हमें अभी अभी इंटरपोल से खबर मिली है कि कोकेन का एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट बंबई पहुंच चुका है जो बहुत जल्द बाहर के मुल्कों में भेजा जाएगा अब की बार हमें सिर्फ कोकेन ही नहीं पकड़नी है बल्कि ड्रग्स रैकेट के चीफ को भी पकड़ना है अगर अब की बार भी वो मछली की तरह आपके जाल से निकल गया तो आपको शेम और मुझको डबल शेम वेलकम पार्टनर्स वेलकम टू इंडिया आओ डागा आओ लेकिन निशान भाई इस तरह बगैर इतला किए अचानक बात क्या है बात यह है ड्रग्स का एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट बॉम्बे आ चुका है करोड़ों रुपए का है अच्छा पिछली बार तुम्हारी वजह से हमें काफी नुकसान उठाना पड़ा इसीलिए इस बार इस कंसाइनमेंट को हम खुद
अपनी निगरानी में भेजेंगे। लेकिन किस तरह? बॉम्बे में एक इंटरनेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उसमें हिस्सा लेने के लिए सिंगापुर से हमारा एक आदमी आएगा डॉक्टर चार्ल्स ब्रॉन्सर के नाम से। आप उसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा और वो कंसाइनमेंट उसके हवाले कर दीजिएगा। बहुत अच्छे, लेकिन एक बात याद रखना, पुलिस पहले से ज्यादा चुकन्नी हो चुकी है, इसलिए इस बार तुम्हें जरूर से ज्यादा होशियार रहना पड़ेगा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, पिछली बार मेरे आदमियों की बेवकूफी की वजह से कुछ गड़बड़ हो गई थी, लेकिन इस बार मैं ऐसे आदमी के हाथ कंसाइनमेंट भेजूंगा जिस पर पुलिस को रत्ती भर भी शक नहीं होगा। हेलो मिसेज रंजीत कुमार। हेलो, आप ये मत पूछिएगा कि मैं कौन हूं और आपको कैसे जानता हूं, लेकिन इस वक्त मैं आपके जरिए डॉक्टर संदीप कुमार को एक मैसेज देना चाहता हूं। कहिए। उनसे कहिए कि आज रात 10 बजे पनवेल में लक्ष्मी फार्म पर वो मुझे मिले, और अगर वो वहां नहीं आए तो आपके रेप का वीडियो कैसेट आपके पति देव तक पहुंचा दिया जाएगा। भाभी, भाभी क्या बात है भाभी, इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? मैं क्या बताऊं भैया, मैं उस दिन मर क्यों नहीं गई? अरे नहीं, इस तरह रोते नहीं भाभी, बताओ तो सही हुआ क्या है? भैया मैं तो समझी थी वो राज तुम्हारे और मेरे सिवा कोई नहीं जानता, लेकिन लेकिन वो और कौन जानता? पता नहीं, आज मैंने उसे पहली बार देखा। कहाँ? डिपार्टमेंटल स्टोर में। कह रहा था उस हादसे का उसके पास सबूत है, और उसने धमकी दी है कि आज रात 10 बजे तक अगर मैंने तुम्हें उसके पनवेल वाले लक्ष्मी फार्म पर नहीं भेजा तो वो सारे सबूत रंजीत के पास भेज देगा। उस दिन तुमने मुझे मर क्यों नहीं जाने दिया, मुझे मर क्यों नहीं जाने दिया? तुम फिक्र मत करो भाई, मैं उससे जरूर जाकर मिलूंगा और इस झगड़े को हमेशा के लिए निपटा के आऊंगा। नहीं भैया, मेरे लिए अपनी जान खतरे में मत डालो। घबराओ मत, मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम कोई उल्टी सीधी बात सोचने मत लगना, समझी? चलिए आइए आइए डॉक्टर संदीप कुमार, वेलकम वेलकम, आपसे मिलने का बहुत चाव था हमें। कौन हो तुम? मैं कौन हूं आपको यह जानना जरूरी नहीं है, बल्कि आपको यह जानना जरूरी है कि मैंने आपको यहां किस लिए बुलाया है। किस लिए बुलाया? आपका मनोरंजन करने के लिए बुलाया है। ए बिच्छू, डॉक्टर साहब को जरा वो कैसेट तो दिखाओ। यस सर। एक मामूली सा कैसेट देखकर तुम्हारा खून इतना खौलने लगा है तो जरा अंदाजा लगाओ कि मेरे दिल पर कितने हथौड़े चले होंगे जब तुम तीनों दोस्तों ने मिलकर मेरा करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया, मेरा धंधा चौपट करवा दिया। इसीलिए मैंने तुम्हारे जिगरी दोस्त की बीवी का रेप करवाया और उसका यह कैसेट बनवाया ताकि ये तलवार की तरह तुम तीनों की गर्दन पर लटकता रहे। लेकिन अगर तुम ये कैसेट लेना चाहते हो तो मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। कौन सा काम? अभी नहीं, कल सुबह 10 बजे बताऊंगा। ठीक समय पर मेरे पास आ जाना, मेरा काम कर देना और कैसेट ले जाना। लेकिन हाँ, एक बात का ख्याल रहे कि हमारी इस दोनों की मुलाकात का किसी तीसरे को पता नहीं चलना चाहिए, वरना। अरे रेखा, तुम अभी तक सोई नहीं? कहाँ रह गए थे? मैंने तो घबरा कर 50 रुपए का टेलीफोन कर डाला। कहाँ चले गए थे? एक इमरजेंसी आ गई थी, जरा दूर जाना पड़ा। हेलो भैया, वो मिला? एक मिनट रेखा, एक गिलास पानी ला दो प्लीज। हेलो, हाँ मैं उससे मिला था, सब ठीक है, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। घबराऊं कैसे? नहीं भैया, बताइए ना क्या हुआ। तुम्हें यही खराबी है कि तुम कुछ सुनती नहीं हो। अब तुम आराम से घर में बैठे रहो,
मैं कल आकर सब कुछ समझा दूंगा, ओके? चलिए। डॉक्टर संदीप कुमार, तुम्हारी कार में एक बैग रख दिया गया है जिसमें 5 करोड़ रुपए की कोकीन है। ये बैग लेकर सीधे तुम टाउन हॉल जाओगे जहां एड्स के बारे में डॉक्टर्स की एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही है जो तुम भी अटेंड करने वाले हो। वहां तुम्हें सिंगापुर के डेलीगेट डॉक्टर चार्ल्स ब्राउन मिलेंगे जो हमारे ही आदमी हैं। ये बैग तुम उनके हवाले कर दोगे। तुम्हारे ऊपर किसी को शक नहीं होगा क्योंकि तुम इस शहर के एक बहुत इज्जतदार डॉक्टर हो और पूरा पुलिस डिपार्टमेंट तुम्हारी मुट्ठी में है। जाओ। पहले मुझे वो कैसे दो? बेवकूफी की बातें मत करो डॉक्टर, पहले हमारा काम करके आओ और फिर कैसेट ले जाओ। ये डायनामाइट है हरामजादे, ये इतनी ताकतवर है कि इसके फटते ये भी नहीं पता चलेगा कि ये बिल्डिंग यहां पर थी या नहीं। अगर ये इस हालत में भी मेरे हाथ से गिर गई तो भी ये फट जाएगी। अपने कुत्तों से कहें कि वो अपने हथियार फेंक दे, जल्दी फेंको हथियार फेंको, जल्दी से वो कैसे मेरे हवाले करो वरना मैं तो मरूंगा ही, साथ में तुम सबकी धज्जी उड़ जाएंगी। लाओ वो कैसे मेरे हवाले कर दो जल्दी। रंजीत हियर। सर, संदीप गिरफ्तार करके लाया गया है। संदीप गिरफ्तार करके लाया गया है। मैं अभी आता हूं।
हुआ? संदीप 2 करोड़ की कोकी के साथ पकड़ा गया है। ये कमबख्त इस चक्कर में कैसे पड़ गया? एलो हवलदार साहब, आपके लिए चाय बगैर शक्कर की। एलो बांदेकर साहब, काशी भाई कहाँ है? उधर है। कब्जे में है और अगर मेरे बारे में किसी को कुछ भी बताया तो अगली बार इसकी मौत की खबर तुम्हें मिलेगी। संदीप, ये सब क्या है? ये क्या हो रहा है? तुम्हारी कार में ट्रक से भरा हुआ बक्सा कैसे मिला? कहां से आया तुम्हारे पास वो बक्सा? रंजीत, मेहरबानी करके इस बारे में मुझसे कुछ मत पूछो। देखो संदीप, मैं कौन हूं तुम्हारा? तुम्हारा दोस्त हूं ना, भाई हूं ना तुम्हारा। सारा शहर हमारी दोस्ती की कसम खाता है। क्या एक सच्चा दोस्त अपने दोस्त से कोई बात छुपा सकता है? वो कौन सा राज है जो तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो? मुझे बता दो संदीप, प्लीज मुझे बता दो। संदीप, तुम्हारी खामोशी हम सबकी इज्जत मिट्टी में मिला देगी। हम किसी के सामने सर उठा के नहीं चल सकेंगे। मैं मजबूर हूं रंजीत, इस मामले में मुझसे कुछ मत पूछो। ठीक है, ठीक है। तुम मुझे नहीं बताना चाहते हो ना, तो ना बताओ। कम से कम रेखा भाई को तो बताओगे? मैं अभी उन्हें लेके आता हूं। हेलो। हेलो भाभी, मैं प्रकाश बोल रहा हूँ। क्या रेखा भाभी आपके आई है? नहीं तो क्यों, क्या बात है? नहीं, सुबह से उनका कुछ पता ही नहीं है। कुछ पता नहीं, हे भगवान। अगर वो आपके आए तो मुझे फोन कर दीजिए। मैं संदीप क्या हूँ, मैं रंजीत को भी इन्फॉर्म करता हूँ। ये सब मेरी वजह से हो रहा है, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। संदीप भैया पे ये सब जुल्म मेरी वजह से हो रहे हैं। मैं क्या करूँ, मेरी वजह से सारा खानदान बर्बाद हो रहा है। संदीप भैया ने मुझे कसम क्यों दी, क्यों दी मुझे कसम? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, बिल्कुल नहीं होने दूंगी। रेखा बहन, रेखा बहन। रंजीत, कहां तुम यार? मैंने तुम्हें कितने फोन किए? सुनो, मैं संदीप गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार कर लिया गया? हाँ। क्यों? उसके पास 2 करोड़ की कोकीन मिली है। मैंने उसे कितना पूछा, कितना इस्तार किया, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। रेखा बहन को ले चलते हैं, शायद वो उन्हें कुछ बता दे। रेखा भाभी खुद लापता है रंजीत। हाँ, सुबह से गायब है, तुम्हारे घर पे भी नहीं है। सब जगह पूछ लिया, कहीं पता नहीं चल रहा। उधर संदीप गिरफ्तार हो गया, इधर रेखा भाभी गायब है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, रेखा बहन का गायब होना भी उसी सिलसिले की कड़ी है। किस सिलसिले की? पहले एक मर्डर हुआ, संदीप ने किसी को बचाने के लिए मुझसे झूठ बोला, फिर उसके पास करोड़ों की कोकीन मिली। वो कोकीन उसके पास कहां से आई ये बताने से वो इनकार कर रहा है, और अब रेखा बहन लापता हो गई। साफ जाहिर है, साफ जाहिर है कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन किस लिए ब्लैकमेल कर रहा है? वो कौन सा दबाव है उसके ऊपर जिसकी वजह से वो बार बार अपनी जान जोखिम में डाल रहा है? वो किसे बचाने की कोशिश कर रहा है? वो मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तुम क्या कह रही हो लता? संदीप तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा है? हाँ रंजीत, उस दिन कत्ल के केस में तारा ने संदीप भैया की बीवी के साथ बलात्कार करने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि मेरे साथ बलात्कार किया था। तुम्हारे लायक नहीं रही रंजीत, मैं तुम्हारे लायक नहीं रही। लता, तुम अभी मेरे घर की लाज हो, तुम मेरे लिए वही लता हो जो पहले थी। मैं
हो जाता। चुप हो जा, इसमें तुम्हारा क्या कसूर? तुम तो लूटी गई हो। वो हराम खोर बदला मुझसे लेना चाहते थे और उनको तुमने शिकार तुम्हें बना लिया। मैं भी कितना बदनसीब हूं कि मेरी पत्नी ने, मेरे दोस्त ने मुझे समझने में गलती की। प्रकाश, संदीप इंसान नहीं, देवता है। वो मेरे घर की इज्जत बचाने के लिए अपनी जान, अपनी दोस्ती कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया। उसका कसूरवार तो मैं हूं। जब तक मैं उसके पैरों पर गिरकर माफी नहीं मांगूंगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। इंस्पेक्टर रंजीत हियर। व्हाट? क्या हुआ रंजीत? संदीप पुलिस कस्टडी से भाग गया। भाग गया? हाँ। तो जरूर उसी बदमाश को मारने गए होंगे। उस दिन लॉकअप में उस आदमी को मार के भाग गया था ना? तेरा बॉस कहाँ है? रेखा बहन कहाँ है? बोल, बताता हूँ सब। उठ गई। ए, उठ। प्रकाश, तू पिस्तौल रख। मैं आगे से जाके उनका ध्यान अपनी तरफ करूंगा, तू पीछे से। ओके। छोड़ दो, बेटे को तो पहले ही खो चुके हो। अब क्या मेरी और बेटी की भी जान लेना चाहते हो? चुप कर बेवकूफ औरत। तू क्या जाने दौलत की ताकत? दौलत दौलत दौलत, जिंदगी में तुम्हें सिर्फ दौलत चाहिए। बीवी बच्चे का प्यार नहीं चाहिए तुम्हें? हाँ हाँ, मुझे सिर्फ दौलत चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। ऐसे क्या देख रही है छोकरी? देख रही हूँ कि तुम में और एक राक्षस में कितना कम फर्क है। तूने अभी तक मेरा असली रूप नहीं देखा। तेरे उस हरामजादे पति के वजह से हमारी सिंडिकेट को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है और सिंडिकेट की नजरों में मेरी इज्जत दो कौड़ी की होकर रह गई है। मैं तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके तेरे पति के पास भेज दूंगा ताकि उसे पता चल जाए कि मुझसे टक्कर लेना कितना खतरनाक है। हाँ, तुम कुछ भी कर सकते हो। जो आदमी अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को पाप की दौलत के लिए दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ जाए, उससे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। तुम वो कसाई हो जो अपनी बेटी के टुकड़े टुकड़े करके अपने दामाद के पास भेज सकते हो। बापू, बापू क्या भक्ति हो? हाँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, लेकिन तुम अपने खून को कैसे पहचानोगे बापू? तुम्हारी आंखें तो सोने चांदी की चमक से अंधे हो गई हैं और तुम्हारी रगों में इंसान का खून नहीं, पाप बह रहा है। याद करो बापू, जब मैं 10 साल की थी तो मुझे और मेरी माँ को रोता बिलकता छोड़कर अपने पाप की यात्रा पर हांगकांग चले गए थे। इन कहानियों का मुझ पर कुछ असर होने वाला नहीं लड़की। हमारे धंधे में भावनाओं और रिश्ते नातों की कोई जगह नहीं है। हम तो दुनिया को सिर्फ दो खानों में बांटते हैं, दोस्ती और दुश्मनी। तुम चाहे मेरी बेटी ही क्यों ना हो, लेकिन इस वक्त तुम दुश्मनी के खाने में हो। अगर तुम अपनी जिंदगी चाहती हो तो रंजीत को फोन पर कहो कि वो कोकीन का बैग जो पुलिस के कब्जे में है फौरन लेकर यहाँ आए। ये मैं कभी नहीं करूंगी। ये फोन तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। नहीं। अपने कुत्तों से कहो कि वो अपनी बंदूकें फेंक दे। ए, सब बंदूकें फेंक दो। फेंक दो। इधर देख। बहुत दिन गुमनाम रह चुके डागा, बहुत दिन।
जा। ब्लैक शीप। क्यों बे लंडो, अपने आप को बड़ा तुर्रम खान समझते हो क्या? इस निशान ने तुम जैसे लाखों मच्छरों के निशान मिटा डाले हैं। इसलिए अब ये जो खिलौने तुम लोगों ने पकड़ रखे हैं ना, इन्हें नीचे फेंक दो। वरना तुम्हारी पत्नी की कोख को तुम्हारी होने वाली औलाद का शमशान बना दूंगा। फेंको, फेंको। ए, बंदो इन्हें। चलाओ। आज तो तेरा खून पी जाऊंगा मैं। चिल्ला चिल्ला के कितना बोर कर रही है, बंद करो इसकी आवाज। डिलीवरी का टाइम नजदीक आ गया है ना, इसलिए चिल्ला रही है। बापू, मैंने जिंदगी में आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, आज मैं तुमसे पहली और आखिरी बार विनती करती हूँ, लता को हॉस्पिटल भिजवा दो, नहीं तो ये मर जाएगी। चाहे तो तुम मुझे मार डालो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, लता को हॉस्पिटल भिजवा दो प्लीज बापू प्लीज। क्या कहा बापू? देखा, ये तुम्हारे बापू है? हाँ, है तो शर्म की बात, पर मैं इसी निर्दय की बेटी हूँ। बदकिस्मती से मैं भी इसी राक्षस का बेटा हूँ। तो तू? हाँ रेखा, मैं तुम्हारा सगा भाई हूँ। भाई? अच्छा 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 अच्छा, तो बात कुछ समझ में आई कमान? जिस इंस्पेक्टर ने हमारे धंधे में दीमक लगाई वो डागा का अपना बेटा है, और जिस डॉक्टर ने हमें करोड़ों का नुकसान पहुंचाया वो डागा का दामाद है, और जिस वकील ने उन दोनों की मदद की वो इन दोनों का साथी है। बात कुछ समझ में आई कमान? आई सी, ये डागा इतने दिनों तक हमारी आंखों में धूल जमता रहा है, ये नाटक करता रहा है कि आज तक सिंडिकेट का जो भी नुकसान हुआ है वो इनकी वजह से हुआ है। लेकिन असलियत ये है कि ये पुलिस की मुखबरी करता रहा है, हमारी सिंडिकेट का माल पकड़वा कर उनसे 20% इनाम भी खाता रहा, और तो और हमारी छाती पे मूंग दल कर अपने बेटे को गोल्ड मेडल भी दिलवा दिया। वाह डागा साहब वाह। नहीं नहीं, आप दोनों मुझे गलत समझ रहे हैं। अच्छा, हमारे सिंडिकेट का उसूल है ना कमान, कि गद्दार को जितनी जल्दी हो सके जहन्नम रसीद कर देना चाहिए, और आज का दिन तो बहुत अच्छा है, इस पेड़ के साथ साथ इसकी शाखों को भी काट डालो। मेरी ईमानदारी पर शक मत करो निशान, अपनी सिंडिकेट का मैं एक वफादार सिपाही हूँ। अगर तुम वाकई में वफादार हो तो अपने इस वर्दी वाले चूसे से कहो कि वो कोकीन वाला बक्सा लाकर हमें दे दे। बात में दम है? ठीक है। नहीं, मैं वो बक्सा कभी नहीं लाऊंगा, अपने फर्ज के लिए मैं सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ, और मैं अपनी सिंडिकेट की खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। अरे डागा, तुम्हारी बहू बिचारी हमल के दर्द से कराह रही है, उसका पेट चीर कर उसका बच्चा जन्मा दो, वो बक्सा खुद खुद आ जाएगा। लो, अरे मुझे लो। जाओ। ऐसा मत करो। नहीं, डागा, नहीं डागा,
मिनट जी। सुनो लता की हालत बहुत खराब हो गई है, जल्दी चलो। भाभी यारी हो तो ऐसी हो जैसी अपनी यार।